शुरू लेक्चर नंबर लेक्चर 75। अच्छा जी हैंड रिटन पेज नंबर 4 आपको खोलने की जरूरत नहीं है। अगर पीएनएल के एंगल से बातें कराऊं, अगर पेरेंट बेचे तो किसने प्रॉफिट बुक किया हुआ है, तो पेरेंट का प्रॉफिट तो नजर आ रहा है हमें प्रॉफिट लॉस के मुंह पे सेल और कॉस्ट ऑफ सेल, तो जीपी कम करने का तरीका कॉस्ट ऑफ सेल को बढ़ा दे। अगर एसोसिएट बेचे तो प्रॉफिट किसने बुक किया है, एसोसिएट ने। एसोसिएट का हमें प्रॉफिट मुंह पे नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए वो जो वर्किंग 5.1 है उसमें से इसको डिडक्ट कर दें। सिमिलरली सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, अगर पेरेंट ने फिक्स्ड एसेट बेचे हैं तो गेन किसने रिकॉर्ड किया है, पेरेंट ने। पेरेंट की अदर इनकम तो नजर आ रही होगी, तो इसलिए उसकी अदर इनकम माइनस कर दें। और अगर एसोसिएट ने जो है वो फिक्स्ड एसेट बेचे है तो एसोसिएट का प्रॉफिट तो नजर नहीं आ रहा होगा, इसलिए अदर इनकम की बजाय वर्किंग और इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो वर्किंग 5.1 में खर्चे के तौर पे बुक करनी है, यानी ये प्रॉफिट कम कर देती हैं। ओके अभी ना एक कंसोलिडेशन का सवाल आज करते हैं पहले, यानी कि कंसोलिडेशन ही है सारी एसोसिएट्स वाली भी, लेकिन एसोसिएट को फिलहाल साइड पे रखें और पेज 818 पे एक सवाल छोड़ा हुआ है हमने भी, उसको करना है आज। क्वेश्चन 37, फॉलोइंग आर द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ जैस्मिन लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी सनफ्लावर लिमिटेड, और डेटा उसने आपको दे दिया है। ये डेटा उतारने पहले जितने देर में बच्चे आते हैं डेटा उतारने सारा इन्वेस्टमेंट पीपी करंट शेयर कैपिटल रिटेन अर्निंग करंट लायबिलिटीज। बोलो भाई इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं जी, इन्वेस्टमेंट्स 60, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज ऑन 17। बोले जी, बोले 190 54। आगे करंट एसेट गुडविल की जगह करंट एसेट्स 20+30, शेयर कैपिटल आगे, हाँ जी जी बोले, हाँ जी मैं खुद देख लेता हूँ एक मिनट, तो कितनी लिखी हुई थी मैंने पहले, ओके Do not take more than 30 seconds. होमवर्क हो गया था। ओके जीएल एक्वायर्ड 80% ऑफ शेयर्स ऑफ एसएल ऑन जकम अप्रैल 2017। और भाई जल्दी इन चीज़ों को खत्म करो यार, आगे पढ़ना फिर ये कंसोलिडेशन का सवाल जल्दी खत्म करें, आगे चलना चुप। 31 December 2017 हमारा ईयर एंड है और जकम अप्रैल 2017 को हमने सब्सिडी को क्या किया है, बाय किया है। तुम चाहते हैं अगर जकम अप्रैल 2017 को हमने सब्सिडी को बाय किया तो मिड ऑफ ईयर एक्विजिशन है। ओके तो इसका मतलब है कि इफ आई टॉक अबाउट सब्सिडी तो ये है 31/12/17 और ये है यकम जनवरी 17। डन, तो हमने कब बाय किया इसको, यकम अप्रैल 17 को। इस वक्त कौन थे, ओल्ड ओनर्स, और इसके बाद कौन है, न्यू ओनर्स। 9 months न्यू ओनर्स रहे और 3 months और उससे पहले सारा आपका कौन थे, ओल्ड ओनर्स। एसएल ने शो किया है
नेट प्रॉफिट ऑफ 30 मिलियन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। एसएल ने 31 दिसंबर 2017 के साल के लिए नेट प्रॉफिट शो किया 30 मिलियन। तो वर्किंग सिक्स, पेरेंट की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि डाटा भी अवेलेबल नहीं है और ऐसे कोई जरूरत भी नहीं है। सब्सिडरी की जल्दी से करते हैं यार, आधा मिनट भी ना लगाइएगा, जल्दी से करते हैं। वर्किंग सिक्स सब्सिडरी की मेरे करने से पहले खत्म करें, व्हाइट बोर्ड पर देखे बगैर मत देखें, व्हाइट बोर्ड पे। हाँ, बैलेंस शीट के सवाल में भी वर्किंग सिक्स करनी पड़ सकती है कोई चीज मिसिंग हो तो। वर्किंग सिक्स तो अकाउंटेंट वाली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होती है, उसका रिटेन अर्निंग कॉलम ऊपर देख रहे हैं। मैं यही चेक कर रहा था। अच्छा अच्छा, कर लिया प्रॉफिट। आज इसको बैलेंसिंग लिखते हैं रेड मार्कर से, ओपनिंग बैलेंसिंग आएंगी जी। कितना? 11। यार पेज नंबर नहीं मिल रहा, 818। कोई बात नहीं, मसला है बहुत बड़ा, पेज 818। अच्छा अच्छा मोहतरम, आप एक चीज का जवाब दीजिएगा। चले छोड़ें, आपने क्या जवाब देने, मैं जवाब ही दे देता हूँ आपको। आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, मुझे 1 अप्रैल 2017 की रिटेन अर्निंग निकाल दें। लेकिन पूरा सवाल पढ़ लीजिएगा, पॉइंट 1, 1 अप्रैल 2017 की मुझे रिटेन अर्निंग निकाल दें। यार आप तो आते होते थे शाम वाली क्लास में। हाँ अच्छा, लेक्चर ले लिया था ना। हाँ आया करो यार। और यार 1 मिनट लगाएं भाई, ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, जल्दी करें, चीजों को जल्दी अप्लाई किया करें। मुझे प्री रिटेन अर्निंग निकाल दें। हाँ जी, क्या आ गई प्री? अच्छा इधर देखें, इधर देखें, हमें यहां की रिटेन अर्निंग चाहिए इस साल के 3 महीने के प्रॉफिट पुरानों के और इस साल के 9 महीने के प्रॉफिट नए लोगों के। अच्छा अब सवाल कहते थे इनकम्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ सब्सिडियरी एट अक्रूड इवनली ड्यूरिंग द एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ 5 व्हिच रिलेट्स टू न्यू पीपल, व्हिच रिलेट्स टू न्यू पीपल, ये नए लोगों की है। जून 2017 तो 1 अप्रैल के बाद है ना, तो ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट इनकम किन की है? नए लोगों की है। अब आपके सामने अगर मैं रफ वर्किंग में सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊं जिसे पीएनएल कहते हैं सब्सिडरी की, तो सब्सिडरी की सेल वगैरह चलते 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 सब्सिडरी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस साल का आ रहा है 30। थोड़ा सा इधर देख लें, आपको नजर भी आ रहा होगा 30। तो ये सब्सिडरी का प्रॉफिट है। तो इस प्रॉफिट तक आते आते 5 रुपए की इन्वेस्टमेंट इनकम ऐड हो चुकी हुई है। तो मुझे अभी तक याद है मैंने व्हाइट बोर्ड पर क्या किया था, मैंने लिखा था यहां पे 30 और आगे लिखा था -5। 30 में से 5 इसलिए माइनस कर दें, 30 में से 5 क्योंकि दोनों अलग अलग वर्किंग है, 30 में से 5 इसलिए माइनस कर दें कि इस पे 9/12 और 3/12 नहीं लग सकता। तो बाकी कितना बचा? 25। 25 को तकसीम कर दें, 25 को 4/12 लगा दें, 3/12 और 9/12 कितना आ गया जी? कितना आ गया? 6.25 और 18.75 नयों का है और 6.25 पुरानों का है। अब मुझे बता दें ये जो 5 रुपए हैं ये तो मैंने तकसीम किए नहीं, ये वाले 5 रुपए तो मैंने तकसीम किए नहीं, ये किनको दे दूं? न्यू को। तो +5 23.75। लेकिन मेरे ख्याल से ना ये मुझे याद है ये जाता था वर्किंग 5 में और ये 6.25 मैंने आपको कहा था लेके जाया करें वर्किंग 2 में, वर्किंग 2 में लेके जाया करें। तो वर्किंग 5 की तो आज जरूरत नहीं है, वर्किंग 5 की आज जरूरत नहीं है, लेकिन वर्किंग 5 नो नीड क्योंकि पीएनएल का सवाल, मुझे प्री रिटेन्ड अर्निंग चाहिए। तो अब आप मुझे बता दें मेरे 3 महीने का प्रॉफिट कितना है, 6.25 या 5 डाल के, ना 5 नयों को देने, मेरे 3 महीने का प्रॉफिट कितना है? 6.25। इस 30 रुपए में से 30 के टुकड़े हो गए, दो ये देख लें, 23 और 6 30 ही बनता है। इस 30 में से, यानी इस 30 में से, इस 30 में से कितना बन रहा है पुरानों का? 6.25। लेकिन मोहतरम ये 11 भी तो पुरानों का ही है,
6.25, तो 11 जमा 6.25, ये आप लोग मिस करते थे कभी कभी, ब्रॉड डाउन रिटेनर नहीं, 11 भी पुरानों का है और इस 30 में से 3 महीने का 6.25 भी पुरानों का है, तो टोटल जो पुरानों का बनेगा बोले कितना बनेगा, 11 जमा 6.25। मैं आपको एक मिनट नोट करने का टाइम देता हूं, मुझे पहले ये फिगर लिख लेने दें। तो अब वर्किंग टू में बताएं प्री कितनी जानी है, ये प्री का मतलब होता है यकम अप्रैल 17 तक इन्होंने आज तक कितना कमा लिया हुआ था, या 3 महीने में कितना कमाया था, प्री का मतलब क्या होता है आज तक कितना कमा लिया हुआ था, तो बताएं यकम जनवरी 17 तक कितना कमा लिया हुआ था, 11, इस 3 महीने में कितना कमाया, 6.25 टोटल 17 पॉइंट, ये फिगर अपनी तरफ से निकाली है इसलिए इसकी डबल एंट्री करनी है, 17.25। इधर आप बाद में नोट कीजिएगा, पहले ये वाला नोट कर लें, रफ वर्किंग तो नहीं, वैसे रफ वर्किंग तो शायद देखें यहां से यहां तक है, ये वर्किंग तो आपको पेपर में शो करनी पड़ेगी ना, वर्किंग 6.1 नाम रख लें, जो मर्जी नाम रख लें, रफ वर्किंग तो नहीं सही। 30 के तोड़ के क्यों नहीं हिस्से की है, क्योंकि 30 में 5 रुपए ऐसे पड़े थे जिसको तोड़ा नहीं जा सकता था, वो अनब्रेकेबल था, वो पत्थर था। ये हमने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसका प्रॉफिट एंड लॉस बनाया ताकि जरा कॉन्सेप्ट ध्यान में रह जाए कि 30 में से 5 को माइनस क्यों कर रहे हैं। चलें जी आगे, अब कैमरा उधर ले जाओ, वो नोट कर ले। चले मैं, ये तो पुरानी बातें थी, उधर ही रखो कैमरा, अब क्लास आ गई है तो इसलिए हम पहले एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। अब आप आ जाए करें टाइम पे भाई, आपसे भी कह रहा हूँ, इधर ले आओ कैमरा। अच्छा भाई ये ना, ये जितनी एडजस्टमेंट्स हैं आज ए बी और सी, इनके ना दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए पार्ट बी समझ लें। तो नहीं, ये ए बी सी वाले नहीं, ये जितनी एडजस्टमेंट्स हैं ना तीनों, इसके दो सेट हैं, सेट वन सेट टू, इन दोनों को अलग अलग देखना है, इसलिए जरा देखें। मैं जरा पहले गो में ना, पहली गो में ये चीजें काट रहा हूं, ठीक है जी, ये चीजें हमने काट दी और बाकी डेटा मैं आपके सामने पढ़ता हूं, और तीन जनरल एंट्रीज आपने मुझे करवानी है। ऑन एक्विजिशन डेट कैरिंग वैल्यू ऑफ सब्सिडियरी एसेट वाज इक्वल टू द फेयर वैल्यू, सारे कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स इक्वल थी फेयर वैल्यू के, एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्री व्हिच वाज कैरिड एट 10 मिलियन एंड अ फेयर वैल्यू ऑफ 15 मिलियन। ये जिस वक्त हमने इसको खरीदा है 1 अप्रैल 17 को, तो इसकी किताबों में एक इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, वो पड़ी होगी कॉस्ट पे, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआर भी छोड़ें, वो पड़ी होगी कॉस्ट पे, तो इन्वेंट्री की किताबों ये ना बातें गौर से सुननी आपने, सब्सिडरी की किताबों में इन्वेंट्री पड़ी हुई थी 10 रुपए की, तो हमने उस पर उंगली रखी, 10 फर्स्ट करें 10 आइटम्स थे 1-1 मिलियन वाले कोई, तो हमने 10 आइटम्स पर उंगली रखी, उंगली रखी ये 10 मिलियन की कॉस्ट की चीजें पड़ी हैं। सऊदी किंग ने कहा नहीं, ये इसकी एंट्री आपको आती है, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, एसेट डेबिट रिवेल्यूशन सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट, एंट्री आपको पता है 10 और 15 का डिफरेंस होगा 5, एसेट डेबिट रिवेल्यूशन सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट, और ये इन्वेंट्री है तो इसलिए डेप्रिशिएट नहीं होगी, लेकिन सरप्लस का लफ्ज़ अगर आप यूज कर लें IFRS 3:10 की रोशनी में तो ठीक है। बहरहाल ये इसको फोर्सिंग गेन कहते हैं, ये बाकी स्टैंडर्ड्स में तो रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं है, लेकिन कंसोलिडेशन पर्पस के लिए वर्किंग वन में जब गुडविल निकाल रहे होंगे तो ये गेन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, सरप्लस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये इन्वेंट्री कितने रुपए की, उसकी किताबों में कैरिड है 10 की, अगर आज सब्सिडरी बेच दे कितने की बिक सकती है 15 की, लेकिन नहीं बेची अभी, अभी बेच देगी इंशाल्लाह, तो जिस वक्त हम सब्सिडरी को खरीद रहे होंगे उस वक्त सऊदी किंग ऑब्वियसली कहेगा कि यार ठहरो, पहले चीजों को रिवैल्यू करो फिर ट्रांजैक्शन और डील फाइनल करते हैं। तो 10 वाली चीज को हमें किस पे लेके जाना पड़ा, 15 पे, और जब कोई चीज महंगी हो रही हो ना तो सऊदी किंग काफी इंटरेस्टेड होता है कि इसको जल्दी से महंगा कर दो ताकि हमारी चीजों की वर्थ शो हो। तो सऊदी किंग ने कहा भाई ये इन्वेंट्री तुझे 10 की नजर आ रही है, ये मैंने अपने जमाने में खरीद के रखी हुई है, मैंने जाना है कल जहां से छोड़ के पाकिस्तान, तूने अगले दिन जो है वो 15 मिलियन की बेच के कहने 5 मिलियन का मुनाफा आया मुझे, हालांकि ये 10 मिलियन की लड़ लड़के सस्ती करके लोगों से मैंने खरीदी थी ताकि मैं 15 मिलियन की बेचूंगा, तो मैंने बेची तो नहीं, अभी सब्सिडरी के पास पड़ी हुई है, किस दिन पड़ी हुई है, एट एक्विजिशन डेट, एट एक्विजिशन डेट का मतलब यकम अप्रैल 17 की बातें, एक एक बात आज आपने गौर से सुननी है, यकम अप्रैल 17 को ये एसेट सब्सिडरी की बुक्स में पड़ा हुआ है, कितने पे पड़ा हुआ है, 10 मिलियन पे पड़ा हुआ है, ये इन्वेंट्री पड़ी हुई है 10 मिलियन पे, सऊदी किंग को ये डर है कि यकम अप्रैल को मैं सब्सिडरी बेच के जा रहा हूं, 2 अप्रैल को जो है वो पेरेंट ने इसको बेचना है महंगा करके, भाई मेरी बातें सुनिए यार, ये तो हर क्लास में चीजें हुई है उधर वाली, तो सऊदी किंग को ये डर है कि यकम अप्रैल को खरीदा जा चुका है सब्सिडरी को, 2 अप्रैल 3 अप्रैल को जैसे ही मैं पाकिस्तान से निकला इन्होंने ये इन्वेंट्री जो है वो बेच देनी और 5 का मुनाफा कमा लेना है, हालांकि ये खरीद के किसने रखी हुई है, सऊदी किंग ने रखी हुई है, तो एक्विजिशन डेट पे इसलिए हम सारी चीजों को सब्सिडरी की क्या करते हैं, रिवैल्यू करते हैं। तो बोले 10 को 15 पे लेके जाने की एंट्री, इन्वेंट्री डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट। चलो जी ले आओ, ये एक दिन पहले भी एंट्री की थी सवाल में, ये एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है,
टू का ए, इन्वेंटरी डेबिट रिवेल्यूशन सरप्लस इन वर्किंग वन कितना फाइव। एंट्री वैसे मैंने आपको समझने के लिए किया है, मुझे इसकी पोस्टिंग बता दें, इसके नीचे कुछ और भी मैंने बाद में करना है असल में। तो इन्वेंटरी डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन क्रेडिट, इन्वेंटरी डेबिट रिवेल्यूशन सरप्लस कितना। और एक चीज फील करें ना, आप देखें सब्सिडियरी की इक्विटी में जान पैदा होती जा रही है, जितनी इसकी इक्विटी में जान पैदा होगी उतनी परचेज प्राइस तय करते हुए जो है वो बर्गेनिंग पावर सोदी की इनकी बढ़ेगी। तो इसलिए सब्सिडियरी की इक्विटी को हम जानदार करते जा रहे हैं, पांचवा सरप्लस डाल के जानदार कर दिया। आगे चलें, करना दरअसल कैमरा ले आए। अच्छा जी अगली लाइन पढ़े, द वैल्यू ऑफ अ प्लांट आ आ एक प्लांट आ आ तू सही देख रहे, the value of a plant was impaired by 3 million, plant की value impaired हो गई 3 million की। सऊदी किंग ने प्लांट छुपा छुपा के रखा होता कपड़ा डाल के, हमने कहा कपड़ा उठा, कपड़ा उठाया तो प्लांट की आवाज आई ची, हमने कहा ये प्लांट, कहते हैं हाँ ये प्लांट है, हमने कहा इंपेयर कर इसको, कहते हैं अच्छा ठीक है। समझे जिन चीजों की कीमत बढ़ रही हो ना सऊदी किंग बढ़ाने में इंटरेस्टेड होता है, और फिर हम भी चेक करते हैं किन किन चीजों की कीमत कम हो रही है इसकी। तो हमने जो है कपड़ा उठाया, अंदर से प्लांटा निकला, उस प्लांटा को हमने जो है वो कहा ये तो 3 million से भाई इंपेयर हो गया, तो ये भी इंपेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा। ये मसला किस दिन पता चला, 1 अप्रैल 2017 को ऑन एक्विजिशन डेट, एक्विजिशन डेट के ऊपर सब्सिडरी का एक प्लांट इंपेयर हो चुका हुआ था जो सब्सिडरी ने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, तो उसको अब हम इंपेयर करेंगे, हमें ये चीज पता चल गई है। तो इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री बताएं, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट इन वर्किंग वन। याद रखिएगा एक्विजिशन डेट की सारी एडजस्टमेंट्स वर्किंग वन में होती है, ताकि सब्सिडरी की जो इक्विटी है ना उसकी सही प्राइस वर्थ निकल सके। तो ऑन एक्विजिशन डेट की लफ्ज ना एक इंडिकेशन होगी, ये सारी एंट्रीज वर्किंग वन में होनी है। द वैल्यू ऑफ प्लांट वाज इंपेयर्ड बाय 3, तो एंट्री बता दें इंपेयरमेंट लॉस इन वर्किंग वन डेबिट। एक और दिन भी हमने इंपेयरमेंट लॉस की बात की थी, लेकिन इंपेयरमेंट लॉस और फेयर वैल्यू इकट्ठी आ रही थी, तो आज तो बस इंपेयरमेंट लॉस की फिक्र दे दी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इंपेयरमेंट लॉस इन वर्किंग वन डेबिट और प्लांट या पीपीई क्रेडिट, जी बोले कितने से? 3 से। तो वर्किंग वन में हमने जाके लॉस बुक कर लिया और प्लांट को कम कर दिया। वर्किंग वन में लॉस बुक कर ले और प्लांट को, गौर से बातें सुननी है गौर से, लॉस डेबिट एसेट क्रेडिट। एक्विजिशन के बाद नहीं है, ऑन एक्विजिशन डेट द वैल्यू ऑफ प्लांट वाज इंपेयर्ड बाय 3 million। क्या क्या कह रहे हो ये, अगर क्यों पढ़े हो, तो फुल स्टॉप की बात तो लाइन ही हो रहा है, मैं तो काटी भी है। आप इस लाइन से कपड़ा उठाना चाह रहे हो, मैंने कहा था प्लांट से कपड़ा उठाओ। नहीं नहीं, वर्किंग वन में जाएंगी सारी चीजें। ये सारी चीजें वर्किंग वन में जा रही हैं। ओके नेक्स्ट। अच्छा अरे टेल मी एन एसेट, मुझे एक ऐसा एसेट बताएं हुज बीवी इज ऑलवेज जीरो, हुज बीवी इज मिसिंग। हाँ ठीक है, बीवी उसकी मिसिंग है। टेल मी एन एसेट हुज बीवी इज ऑलवेज रुपीज जीरो बट वी स्टिल रीवैल्यू, लेकिन हम फिर भी रीवैल्यू करके कंसोलिडेशन पर्पस के लिए, बट वी स्टिल रीवैल्यू इन IFRS 3/10 नॉट इन IS 38। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। इंटरनली जनरेटेड ब्रांड, इंटरनली जनरेटेड मेथड, इंटरनली जनरेटेड पब्लिशिंग टाइटल और इंटरनली जनरेटेड कस्टमर लिस्ट, दीज 4 things अगर सब्सिडरी ने इंटरनली जनरेट की हो तो बुक वैल्यू इज ऑलवेज जीरो बट वी विल स्टिल रीवैल्यूएट इन IFRS 3/10। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब बता दें क्या है, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड। What are you doing here? Please go away. Okay. जी मोहतरम भाई आप इधर से चले जाएं, इस तरह का करें। अच्छा पता नहीं जैसे क्या सीखते हैं, बोले 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 मिसाल दें, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड, किताब के सफ़े पे बहुत जगह है, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड, जो शो देखने आए हैं ना उनसे ये बातें हो रही हैं। ये आपने मुझे बताया, मैंने आपको बताया, इस वक्त किसने बताया, आप लोगों ने बताया, ये बात आप लोगों ने मुझे बताई। अब मैं आपको एक चीज बताने लगा हूं, आई विल टेल यू आर लाइबिलिटी टूडे, आई विल टेल यू असल में ना हमने IS 1037 नहीं पढ़ा हुआ ना, तो इस वजह से ना ये मुझे चीज समझानी पड़ेगी।
और IS-38 जो है वो पढ़ा हुआ था, इसलिए ये आपने मुझे चीज बता दी। IS-37 हमने नहीं पढ़ा हुआ, वो लाइबिलिटीज को डील करता है, ये चीज मुझे बतानी पड़ेगी। आई विल टेल यू पेन क्लास के टाइम पे, आई विल टेल यू आर लाइबिलिटी। आगे बोले बोले यार, हुज बोले नहीं यार, आगे फिक्र तो पूरा करा दें। नहीं बुक वैल्यू नहीं, लाइबिलिटीज के लिए कैरिंग अमाउंट का लफ्ज यूज किया करें, लाइबिलिटीज के लिए ना बीवी का लफ्ज ना यूज किया करें, सीए का लफ्ज यूज किया करें, सीए के बाद भी। अच्छा आई विल टेल यू आर लाइबिलिटी हुज सीए इज, हुज सीए इज ऑलवेज जीरो, जिसकी कैरिंग अमाउंट हमेशा क्या होती है। ये बीवी की सीए तो हम इधर भी लिख सकते थे, लेकिन लाइबिलिटीज के लिए बेहतर है बुक वैल्यू का लफ्ज यूज ना, क्योंकि लाइबिलिटीज के लिए कैरिंग अमाउंट ज्यादा अच्छा लफ्ज है। आई विल लाइबिलिटी को कहेंगे तेरी बीवी है, वो माइंड कर जाएगा। आई विल टेल यू आर लाइबिलिटी हुज कैरिंग अमाउंट, लाइबिलिटी को सीए कहें, इज ऑलवेज रुपीज, आगे फिक्र पूरा कराएं, बट वी विल स्टिल रीवैल्यू, रीवैल्यू मीन लाइबिलिटी की प्राइस निकालेंगे, बट वी विल स्टिल रीवैल्यू इन IFRS 3 and 10। डन, ओके। अच्छा मैं एक लफ्ज लिखने लगा हूं, आपने मुझे उसका मतलब बताना है। इतने से ज्यादा सारे बैठे हुए हैं, मैंने कहा था सुबह आने, तो आपने मुझे क्लास में सबसे पहले याद कराना है सऊदी किंग को शेर दे देने का वादा, वो किसी ने याद नहीं कराया, इसलिए मैं भी लिफ्ट नहीं कराऊंगा, कल उसे करेंगे आप। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, ये वो वाली कॉन्टिजेंट लायबिलिटी नहीं है जो सऊदी किंग वाली पर मैंने बात की थी, ये वो वाली नहीं है। ये क्या कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, इसकी नेचर समझे। सब्सिडरी के ऊपर कोर्ट केस हो गया, हो सकता है सब्सिडरी के ऊपर कोर्ट केस। हमने सऊदी किंग को कहा यार, वो निगोशिएशन में ना चलते चलते हमने सऊदी किंग को कहा, और यार वो सब्सिडरी पे केस हुआ है, कहते हाँ। हमने कहा वो अखबार में चल रहा था यूफोन के खिलाफ लोगों ने कोई हड़ताल छड़ताल की हुई है, और एम्प्लॉयज वगैरह, वो पता चला था यूफोन के एक खंबे पे आग लगी थी, और वहां पे एम्प्लॉयज भी थे, तो एक दो तो मर गए थे, बाकी इंजर हो गए थे। तो वो चुप बोल रहा है, तो वो जो है ना कि बड़ा तुम लोगों पे सुना कोर्ट केस वगैरह हुआ है एम्प्लॉयज वगैरह, कहते हाँ यार ये तुझे पता है। हमने कहा हाँ हमें पता है, तो हमने सऊदी किंग को कहा ये ना हो तेरे जाने के बाद हम फारग हो जाएं, वो एम्प्लॉयज वगैरह आए और आके जो है वो कहें हमें पैसे दो, हमें बाद में पैसे देने पड़े, तू आराम से सऊदी अरब में मजे कर रहा हो और हम इधर रुल रहे हो। तो ये एक लाइबिलिटी है जो डिपेंडेंट है किसके फैसले पे, जज साहब के फैसले पे। ये एक लाइबिलिटी है सब्सिडरी की बुक्स में जो डिपेंडेंट है किस पे। अच्छा इस वक्त तक सब्सिडरी की हमने किताबों में जरा सब्सिडरी से पूछा, यूफोन के अकाउंटेंट को कहा यार इधर आ, कोर्ट केस का तुझे पता है। यूफोन के अकाउंटेंट ने कहा जी मुझे पता है कोर्ट केस का, तो यार उसकी एंट्री तूने की भी है। कहते हैं मेरी बुक्स में कैरिंग अमाउंट अभी जीरो आ रही है। हमने कहा क्यों, ये लाइबिलिटी बुक कर यार। कहते हैं यार पता नहीं जज साहब ने क्या फैसला करना है। वैसे हमने लॉयर से फोन करके पता किया है, लॉयर हमारे एतजाज साहब, एतजाज एहसन साहब को हमने लॉयर कराया हुआ है, तो हमने उससे फोन करके पता किया, वो कहते हैं कि इंशाल्लाह आप केस नहीं हारेंगे, आपका कसूर नहीं है, आपका कसूर नहीं है, एम्प्लॉई ने खुद जो है ना हाथ दिया था खंबे में तो वो वीडियो मिलने की देर है, तो आपका कसूर नहीं है, तो इसलिए ना हमने कैरिंग अमाउंट कितनी शो की हुई है, जीरो शो की हुई है। तो IS-37 में मैं पढ़ाऊंगा कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, ऐसी लाइबिलिटी होती है जिसमें लॉयर कह दे के पैसे देने का चांस कम है। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी होती है जिसमें लॉयर कह दे पैसे देने का चांस कम है, कहीं लिख लें। एज पर IS-37, एज पर IS-37 कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी इज अ लाइबिलिटी वेयर चांस ऑफ पेमेंट इज लो, वेयर चांस ऑफ पेमेंट इज लो, जहां चांस ऑफ पेमेंट इज लो, एंड देयरफॉर इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। ये बुक्स में मोहतरम रिकॉर्ड ही नहीं होती। कैरिंग अमाउंट देखें कितनी नजर आ रही है, जीरो, इसलिए ब्रैकेट में लिखें कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू जीरो। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, रिकॉर्डेड इन बुक्स के आगे लिखें कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू जीरो। अच्छा आप बता दें जी, वो जो कोर्ट केस चल रहा है, अकाउंटेंट ने भी कह दिया यूफोन रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, सऊदी किंग भी कह रहा है भाई तू टेंशन ना लो, मेरे जाने के बाद भी तुम लोगों को कुछ नहीं होगा, कोई एम्प्लॉयज वगैरह नहीं आएंगे, कोई कुछ नहीं होगा, प्लीज परेशान ना हो, कुछ नहीं होता यार, हमारी बात पे भी यकीन करो, ना करो ऐसा ना करो, हमारी बात पे भी यकीन करो, ऐसे नहीं होता, प्लीज ऐसे नहीं होगा, तुम लोग बिल्कुल रिलैक्स रहो। और IS-37 भी कहता है कि जिस तरह IS-38 इंटरनली जनरेटेड ब्रांड को रिकॉर्ड करने से मना करता है, उसकी कॉस्ट मेजर नहीं हो सकती, तो IS-37 कहता है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी होती है कोर्ट केसेस, तो कोर्ट केसेस की लाइबिलिटी रिकॉर्ड ना करो, क्योंकि बोलो 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 लॉयर ने कह दिया पैसे देने का चांस कम है। अगर लॉयर कहते पैसे देने का चांस ज्यादा है, छोड़े बातों को अभी फिलहाल जितना करा रहा हूं, तो लॉयर ने कह दिया पैसे देने का चांस कम है, इसलिए लाइबिलिटी बुक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सऊदी किंग ने वहीं बैठे बैठे अपने लॉयर को फोन किया, वो एतजाज का भी बाप था, अपने लॉयर को फोन किया और अपने लॉयर को फोन करके कहा भाई ये कोर्ट केस हो गया है। उसने कहा ये तुम लोगों को गोलियां करा रहे हैं, गोलियां पता क्या होती हैं, अच्छा ये तुम लोगों को इधर उधर की बातें करा रहे हैं और तुम्हें टरखा रहे हैं, इनकी बातों में ना आना, पैसे देने पड़ जाएंगे, पैसे देने पड़ेंगे।
तो प्लीज आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। फिर आपने फोन पे पूछा, हाँ यार बताओ कितने देने पड़ेंगे, वो फिर अपना ये किराया देगा। अच्छा लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो सब्सिडरी होती है ना अपनी बुक्स में जनरल एंट्री नहीं करती, लेकिन डिस्क्लोज जरूर करती है अंग्रेजी में कि हमारा ख्याल है इतने पैसे देने पड़ सकते हैं, लेकिन लॉयर कह रहे हैं नहीं देने, इसलिए हमने लाइबिलिटी बुक नहीं की हुई। तो सब्सिडरी अपनी किताबों में, और यार बातें हो रही हैं तो उधर देख रहे, सब्सिडरी अपनी किताबों में कैरिंग अमाउंट शो नहीं करती, लेकिन सब्सिडरी अपनी किताबों में डिस्क्लोज करती है। किस लाइबिलिटी को? कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी को। लेकिन पेरेंट क्या चाहता है कि डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर फारिग करो, इसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। इसको किस पे रिकॉर्ड करो? फेयर वैल्यू पे। ये इंग्लिश पढ़ने समझ आ रही है? पॉइंट सी वाली। और यार 9 रुपीज को इग्नोर करें प्लीज। 9 तो उसकी, 9 तो उसने, 9 नहीं है, कैरिंग अमाउंट 0 है मेरे भाई। 9 के जनरल एंट्री नहीं हुई, 9 तो धोखा है। आइए तो आइए पंगा डाला है, ये आइए 37 पढ़ के चला आपको और क्लियर हो जाएगा, वो कोई परेशानी वाली बात नहीं। 37 पढ़ के और क्लियर हो जाएगा। अ कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी ऑफ 9 मिलियन इज रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सब्सिडरी इज जस्ट डिस्क्लोज्ड। डिस्क्लोज का मतलब होता है अभी तक बुक्स में वैल्यू क्या आ रही है। तो मुझे पता है क्या मतलब समझ आया, इधर देखें, मुझे मतलब समझ आया है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी इज डिस्क्लोज का मतलब है कैरिंग अमाउंट इज 0, यानी बुक्स में ये लायबिलिटी रिकॉर्ड। लेकिन जिस लॉयर एतजाज साहब ने, सब्सिडरी का लॉयर एतजाज है, सब्सिडरी के लॉयर ने कहा यार मेरा ख्याल है बिल्कुल आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप रिलैक्स रहो, लेकिन वैसे अगर देने पड़ गए तो 9 मिलियन तक देने पड़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं देने दोनों इंशाल्लाह कोई नहीं है, हम केस जीत जाएंगे, तुम लोग परेशान ना होना, लेकिन अगर देने पड़े तो 9 मिलियन तक देने पड़ सकते हैं। डन। कैसे मुझे पता चला, अब ये लॉयर की बातें चाहते तो छोड़े पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे मुझे पता लगा कि सब्सिडरी ने किताबों में एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट 9 वाली एंट्री बुक नहीं की हुई? जैसे वहां लिखा होता था सब्सिडरी बुक्स शो एन इंटरनली जनरेटेड ब्रांड एट 0, तो वहां से पता चल जाता था इंटरनली जनरेटिंग लफ्ज से, यहां किस लफ्ज से पता चला किसकी एंट्री नहीं हुई? अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी इज जस्ट, ऊपर लिखे जस्ट डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा अब बता दें कैरिंग अमाउंट क्या है? ये तो धोखा है यार 9, ये तो आई कैप ने ऐसे फजूल दिया परेशान करने के लिए, ये तो धोखा है 9 को छोड़े। बताएं जी, बोले 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 बोले, व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? और व्हिच हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 6 मिलियन। अब हम क्या करें? सो आई एम टेलिंग यू अ लायबिलिटी हुज, ऊपर इधर सारे लिखे आई लिख दिए, बोंगिया मार दिया। अच्छा तो और इधर मी लिखे यू लिखे, हाथ दोगे यार लकीर की। आई विल टेल यू अ लायबिलिटी, मैं आपको एक लायबिलिटी बताता हूं जिसकी बीवी क्या होगी? हमेशा 0, कैरिंग अमाउंट हमेशा 0 होगी, बट वी विल स्टिल रिवैल्यू इट इन। अब बता दें जी बड़े कॉन्फिडेंस से कि मुझे कैसे पता चला बुक वैल्यू 0 आ रही है? जस्ट डिस्क्लोज, ये अभी तक से डिस्क्लोज हो गया, लेकिन हमारे का ख्याल है किस पे आना चाहिए? अब 9 को 6 पे लेके जाऊं पागलों की तरह या 0 को 6 पे लेके जाऊं? 0 को 6 पे लेके जाना है। तो एरो में खींच देता हूं, इस 0 को पकड़ूंगा और 0 को पकड़ के 6 पे ले जाऊंगा। किस दिन पता चला हमें? ऑन एक्विजिशन डेट। सारी बातें हम सब्सिडी खरीदने जा रहे हैं, दाएं बाएं नजर तो रखेंगे ना, जैसे भैंस खरीदने जा रहे हैं पता चलाते हैं दाएं बाएं से कितना दूध दे रही है भैंस, कह रही मैं नहीं बोलूंगी। अच्छा तो बोलते हैं 0-6 की एंट्री डिफरेंस की, कोई एंट्री बोले लाइबिलिटी बुक करने की, खर्चा इन वर्किंग वन डेबिट, हाँ सब्सिडरी की इक्विटी को कम करें, ये बाद में हमारे हमें पैसे देने पड़ जाने, फटा हो जाने, फिर सब्सिडरी की इक्विटी को आज ही कम कर दे ताकि गुडविल की प्राइस सही निकल सके। बोले जी बोले खर्चा इन वर्किंग वन और लाइबिलिटी क्रेडिट, लाइबिलिटी 0-6 पे लेके जानी है तो बढ़ानी है, लाइबिलिटी बढ़ाने की एंट्रीज एंट्री टीचर क्या कहते थे? खर्चा डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट। कैरिंग अमाउंट कितनी है? फेयर वैल्यू, इन दोनों के दरमियान क्या लिखूं? वर्सेस, वर्सेस। तो 0 वाली लाइबिलिटी को किस पे लेके जाना है? 6 पे लेके जाना है, खर्चा इन वर्किंग वन डेबिट एंड बोले लाइबिलिटी। हमारे लॉयर के मुताबिक वैसे कितने पैसे शायद देने पड़ जाए? 6। हमारे हमारे जो पीटी सेल का लॉयर है, पीटी सेल तो अपने लॉयर से फोन करके पूछेगा ना, सब्सिडरी के लॉयर ने वैसे क्या राय दी हुई थी कि 9 मिलियन देना पड़ेगा, लेकिन देना दूना कोई नहीं है, वैसे ऐसे मैं आपको जरा फिगर आपकी खुशी के लिए बता रहा हूं, लेकिन ये अपनी किताबों में सिर्फ शो करो, जनरल एंट्री करने की जरूरत, नोट्स में जाके ना इंग्लिश में लिखा होता है कि शायद हमें 9 देना पड़ जाए, लेकिन लॉयर कह रहे देने का कोई चांस 10-12% चांस है देने का, मिसाल के तौर पर ना होने के बराबर है। तो कैरिंग अमाउंट 0 थी, इसे उठा के किस पे ले गए? फिर ऐसा ब्रांड में भी करते थे, ब्रांड में भी करते थे, ब्रांड की प्राइस क्या होती थी? 0, उसे उठा के रीवैल्यू पे, फेयर वैल्यू पे ले जाते थे। क्लियर? गुडविल को बाद में नहीं छेड़ते, खर्चे ऊपर नीचे हो जाते हैं बस, बाद में इफेक्ट एक्सपेंस या इनकम में डाल देते हैं, ऐसा नहीं। ओके आगे चलें जी, इन सारी एंट्रीज का एंट्रीज पोस्ट नहीं की हमने, सॉरी पोस्ट कर दें, बस लाइबिलिटी जो मर्जी नाम रख दें, तो खर्चा बुक करें, खर्चा डेबिट और लाइबिलिटी, हाँ हमारी नजर में नहीं है शायद। ओके
अच्छा भाई, अब मुझे तीन एडजस्टमेंट्स बता दें हमने क्या किया। पहली एडजस्टमेंट पहले हमने सबसे पहले क्या किया है, ये तीन एडजस्टमेंट्स आपने तसल्ली से समझनी है, फिर मैं सेकंड पार्ट इन इंटरेस्ट का शुरू करने लगाऊं। सबसे पहले हमने क्या किया, सब्सिडियरी की बुक्स में एक इन्वेंट्री पड़ी थी 10 की, महंगी होकर 15 की बिक सकती थी, तो सऊदी किंग ने कहा इसको अभी फिलहाल 15 पे ले जाओ ताकि वर्किंग वन में गुडविल वगैरह भी सही निकला और प्राइस भी सब्सिडियरी की सही तय हो। तो 10 वाली चीज को हम 15 पे ले गए, तो हमने इन्वेंट्री बढ़ा दी और सब्सिडियरी की इक्विटी में जान पैदा कर दी। नेक्स्ट, फिर उसके बाद एक प्लांट था, उसमें से हमने कपड़ा उठाया तो पता चला वो प्लांट इंपेयर हुआ है, तो जब प्लांट वो सीधा हुआ है, जंग लगा में इंपेयर हुआ है, तो हमने सबसे सऊदी किंग को कहा मोहतरम अपनी चीजों की कीमत कम भी करो, जहां बढ़ाने वाली चीजें वहां कम वाली चीजें भी हैं। तो हमने कहा खर्चा डेबिट और हमने प्लांट को इंपेयर कर दिया। कंसोलिडेशन के वक्त हमने प्लांट को इंपेयर कर दिया, हमने प्लांट को कम कर, एक एक बात गौर से सुननी है। और अगली बात, जिस वक्त हमने सब्सिडियरी को खरीदा तो हमने कहा यार तुम्हारे खिलाफ कोई केस हुआ है, उन्होंने कहा केस हुआ है वो आप लोग छोड़ो, हमने कहा नहीं छोड़ो छोड़ो नहीं बात करो इस पे, तुम्हारे खिलाफ केस हुआ है सुना तुम्हें, कहते हैं हमारे लॉयर ने कहा पैसे पूछे नहीं देने पड़ेंगे। तो बस हमने यूजर को सिंपल से अंग्रेजी लिख के बताया है कि शायद इतने देने पड़े, लेकिन हमने सिर्फ डिस्क्लोज किया हुआ है, तो सब्सिडी ने लाइबिलिटी बुक नहीं की हुई थी। हमारे लॉयर के मुताबिक कितने देने हैं, पीटीसीएल का लॉयर कह रहे 6 देने पड़ेंगे, तो बुक वैल्यू 0 है, इसे फेयर वैल्यू पे लेके जाना है। तो क्या जवाब आया, 6 का फेयर वैल्यू का लॉस आ गया, कैसे, लाइबिलिटी बढ़ने से। तो हमने लाइबिलिटी बुक कर ली। अब मैं आपसे 3 सवाल पूछने लगा हूं, हमने इन्वेंट्री बढ़ा दी, हमने इंपेयरमेंट लॉस में एसेट कम कर दिया और हमने लाइबिलिटी बढ़ा दी। पॉइंट बी से भी मैंने पर्दा हटाया, सिर्फ पॉइंट बी से पर्दा हटाया। यकम अप्रैल को हमने ये किया, 2 अप्रैल की सुबह सब्सिडियरी को ख्याल आया, उसने भी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये कर दिया, द इंपेयरमेंट वाज आल्सो, हम तो रिकॉर्ड कर चुके हैं ना, हम तो रिकॉर्ड कर चुके हैं, हमने कहां रिकॉर्ड किया, वर्किंग वन में, वर्किंग वन में हमने वर्किंग वन में रिकॉर्ड कर ली, द इंपेयरमेंट वॉज ऑल्सो रिकॉर्डेड बाई एसएल ऑन 2 अप्रैल 2017। इंपेयरमेंट एसएल ने भी रिकॉर्ड कर लिया, जरा थोड़ा सा सोचिएगा, हमने ये रिटेन अर्निंग कौन सी पकड़ी हुई है, हमने ये प्री वाली पकड़ी हुई है, ये पहले 3 महीने वाली है, पहले 3 महीने वाली, तो हमने प्री वाली अर्निंग में ये खर्चा बुक कर दिया, हमने प्री पहले 3 महीने वाली अर्निंग पकड़ी हुई है ना, तो पहले 3 महीने वाली अर्निंग में ये खर्चा बुक कर दिया। अच्छा, अब क्या हुआ, 2 अप्रैल को, वो तो 9 महीने गुजर रहे थे ना उस वक्त, तो 2 अप्रैल को तो 9 महीने वाली बात चल रही है ना, तो उसने भी 9 महीने वाले अरसे में, यानी 2 अप्रैल तो मेरे ख्याल से सऊदी किंग अब जा चुके हैं, वो तो सऊदी में बैठा हुआ है, 2 अप्रैल को सब्सिडियरी ने भी अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ऐसे तो अपनी सेपरेट फाइनेंशियल एंट्री कर सकती है ना, और तो नहीं कर सकती, कंसोलिडेशन तो पहले दिन आपको बताया था, पेरेंट का अकाउंटेंट कहता है द इंपेयरमेंट वॉज ऑल्सो रिकॉर्डेड बाई सब्सिडियरी ऑन 2 अप्रैल, उसने भी रिकॉर्ड कर दी 2 अप्रैल को। अब बता दें जी, जो काम हम वर्किंग वन में कर चुके हैं, अगर सब्सिडियरी भी कर दे तो आपकी क्या राय है, हम रिवर्स कर लें या जो सब्सिडियरी ने रिकॉर्ड किया उसको रिवर्स कर दें? हम रिवर्स कर देंगे, फिर गुडविल वगैरह चेंज होगी, इन्वेस्टमेंट वगैरह, वो तो अजीब सी बात हो जाएगी, हम वर्किंग वन में क्यों रिवर्स करें, वर्किंग वन को तो छेड़ने की हम ही करेंगे, लेकिन मैं बताता हूं किस तरीके से, वर्किंग वन में उठाने की शायद जरूरत नहीं है, क्यों नहीं उठाने की जरूरत, क्योंकि वर्किंग वन में तो प्राइस तय होने के लिए एडजस्टमेंट होना जरूरी थी, जो काम हम कर चुके वो सब्सिडियरी ने भी कर लिया। अगर थोड़ी सी गहरी बात सुननी है तो सुन लें, ये जो 54 है ना, इस तक पहुंचते हुए इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड हो चुका है, 2 अप्रैल को उसने कर लिया था और ये 31 दिसंबर की फिगर है, उसने 2 अप्रैल 2017 को कर लिया था और ये 31 दिसंबर की फिगर है, हमारे लिए करना जरूरी था -3। अब हमें, मैंने जो पहली एंट्री की है मुझे वो ना उठाने को कहिएगा, ये वाली, ये ना उठाने को कहिएगा, लेकिन जो सब्सिडियरी ने 2 अप्रैल को एंट्री किया उसे क्या करना पड़ेगा, उल्टाना पड़ेगा। क्यों उल्टाना पड़ेगा यार, 2 लोगों में से एक ही एंट्री कर सकता ना यार, या तो हम एंट्री कर लें कंसोलिडेशन डेट पे, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन, और सब्सिडियरी अगर खुद भी उसे इंपेयरमेंट लॉस को रिकॉर्ड कर दे तो आपको फील हो रहा है ऑल्सो का मतलब होता है डबल रिकॉर्डिंग, सब्सिडियरी ने भी रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन किस दिन बाद, जब सऊदी किंग चला गया, सब्सिडियरी के अकाउंटेंट ने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंट्री की, वो यार वो मेरा प्लांट इंपेयर हो गया, मुझे पता चला था, कल मैं मीटिंग में बैठा था, मुझे पता चला था प्लांट इंपेयर हो गया, चल यार इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री कर ले, तो उसने भी रिकॉर्ड कर लिया, हमने भी रिकॉर्ड कर लिया, देखें उसने भी रिकॉर्ड कर लिया येलो लाइन, और हमने भी जगह मेरल को रिकॉर्ड कर लिया था, अब क्या करें, उसकी किताबों में उठा दें, इंपेयरमेंट लॉस उठाने की एंट्री जरा सोचें, इंपेयरमेंट लॉस उठाने की एंट्री सोचें, पीपी डेबिट इनकम क्रेडिट कर दें, इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट कर दें, जो आपको समझ आ रहा है कर दें, वो कोई मसला नहीं है, बस खर्चा उठाना है, एक्सपेंस क्रेडिट कर दें, जो आपको दिल चाह रहा है, एक्सपेंस कम कर दें, एक्सपेंस कौन सा वाला, इंपेयरमेंट लॉस वाला।
लेकिन मोहतरम ये एंट्री आपने जो है वो वर्किंग वन में नहीं करनी यार, वर्किंग वन में ही अगर करती है तो फिर यही एंट्री उठा के फायदा क्या होगा, ये वर्किंग वन में नहीं करनी, ये सब्सिडरी ने अपनी किताबों में खुद की है और ये एक्विजिशन डेट की नहीं है, ये 2 अप्रैल की है, तो एक्विजिशन डेट वाली एडजस्टमेंट वर्किंग वन में जाती है, इसलिए ये इस वाली अर्निंग को हिट नहीं करेगी, ये इस क्लो ये प्री वाली को हिट नहीं करेगी, ये क्लोजिंग माइनस प्री पोस्ट वाली को हिट करेगी। बताएं जी एंट्री कितने से करूं, इसीलिए डेप्रिसिएशन का फड्डा नहीं है एडजस्टमेंट में, डेप्रिसिएशन 9 महीने का फड्डा क्यों नहीं है, क्योंकि सब्सिडरी ने जब खुद इंपेयर कर लिया है तो डेप्रिसिएशन वगैरह सारी सही हो रही होगी, तो इसलिए रिमेनिंग लाइफ सर्च वाले दी भी नहीं, रिमेनिंग लाइफ वगैरह दी भी नहीं, ठीक है जी। तो अब आप मुझे बता दें ये किसका एसेट है जिसकी डिस्कशन हो रही है, सब्सिडरी का। सर आपने क्यों खुशी रिकॉर्ड कर ली, और भाई उसने खर्चा बुक कर लिया था ना, सिर्फ उसके खर्चे को मैं उल्टा रहा हूं। अब जरा इंपैक्ट इसका देखें क्या होगा, प्लान डेबिट हो गया कितने से, 3 से। अब आप ये ना कहिएगा कि इंपेयरमेंट लॉस का रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, और भाई इधर देखें। वैसे तो मैं ज्यादा सोचने को आपको कहता नहीं, लेकिन इधर देखने जिनको लग रहा है कि इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, देखें इधर, क्या सब्सिडरी खुद इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर चुकी थी, इस तक पहुंचते हुए कोई 3 माइनस हो चुका था, उस 3 को मैंने यहां जमा कर दिया, तो 3 तो इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड हो गया है, ऐसी बात नहीं इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्लियर। तो आप बताएं जो काम हम वर्किंग वन में 1 अप्रैल को कर लें, वो काम सब्सिडरी 2, 3, 4 अप्रैल को खुद कर ले, तो हम वर्किंग वन को छेड़ें या जो सब्सिडरी ने किया उसको छेड़ें, तो ये आज की एक नई एंट्री आपके लिए। हम फिर सिर्फ इतना ही करेंगे रिवर्स, बाकी तो उसने कर लिया खुद ही। अच्छा इसका नाम हमने रखना है जो काम ऐसे याद रखने के लिए, पॉइंट 2 का क्या नाम रखना है, जो काम हम कर लें और बाद में आज के बाद ये एडजस्टमेंट जब भी आया करेगी ना, तो मैं आपको क्या करूंगा, जो काम वाली एडजस्टमेंट, एक शाह काम चौक है लाहौर में और ये जो काम ने हमने निकाला है, जो काम किसने कर लिया, इन तीनों की हेडिंग है जो काम ABC की, जो काम हमने कर लिया और वो सब्सिडरी भी कर ले तो क्या कहा जाएगा सब्सिडरी को, यार तेरे वाला काम हम रिवर्स करने लगे। अभी मैं आपके सवाल ले लेता हूं, अगली एडजस्टमेंट से लगा करवा लेने दो, तो एंट्री तो मैं पोस्ट करने लगाऊं, एंट्री भी पोस्ट करने लगाऊं, एंट्री तो आप सामने पोस्ट करें, दूसरी मेरे से क्यों पूछने, कहां पोस्ट करनी है, खुद पोस्ट करें। पीपी डेबिट, सर आप इनकम क्यों बढ़ा रहे हैं, मैं इनकम नहीं बढ़ा रहा, उसने जो इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया वैसे उल्टा रहा हूं, क्योंकि मैं भी तो लॉस रिकॉर्ड कर चुका हूं, तो इंपेयरमेंट लॉस की रिवर्सल जी, बोले कितने से, 3 से। ओके आगे चलें जी, ट्राई करें अगली एडजस्टमेंट, खुदा के लिए ये पेरेंट और सब्सिडरी के दरमियान होने वाली कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, इसको P2S S2P में ना डालिएगा, खुदा के लिए इसका P2S S2P से कोई ताल्लुक नहीं है, थोड़ी अकल इस्तेमाल कर लें। एडजस्टमेंट ए का दूसरा पोर्शन पढ़ें, अच्छा जी जिसने हमने सब्सिडरी को बाय किया ना, जिसने हमने सब्सिडरी को बाय किया, तो इसके पास ये 10 आइटम्स पड़े हुए थे, काउंट कर लीजिएगा 10 ही हैं, तो जिसने हमने सब्सिडरी को बाय किया ना, इसके पास 10 आइटम्स पड़े हुए थे, तो फर्ज करें 1-1 रुपए इनकी कॉस्ट थी और वो 1.5 रुपए का बिकना था, 15 मिलियन, तो 10 रुपए 10 मिलियन मीन्स 1-1 आइटम 1-1 मिलियन के, और वो 1.5 मिलियन का बिकना था तो 15 मिलियन का बिक जाना था। अच्छा हम ये कोई पेरेंट टू सब्सिडरी स्टॉक नहीं बिक रहा, PTCL जिस दिन यूफोन को खरीदने आया तो PTCL ने यूफोन के स्टॉक पे उंगली रखी और कहा ये 10 आइटम, देखिए उंगली का इशारा, ये 10 आइटम जो हैं वो सब्सिडरी के स्टॉक में 1 अप्रैल को नजर आ, देखिए इन्होंने कहा ये आप इंशाल्लाह कल कलां को महंगे करके बेचोगे तो वो प्रॉफिट मुझे दे दो, मुझे देने का क्या मतलब होता है, वो मेरी जो इक्विटी है ना सब्सिडरी की उसमें आज ही जान पैदा कर दो, और माने ना माने ये आपने GP बुक कर लिया, ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपने ग्रॉस प्रॉफिट बुक कर लिया है, 10 रुपए वाली चीज बाजार में 15 की बिक जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट, बोले यार 10 रुपए वाली चीज बाजार में 15 रुपए की बिक जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट, बिक गई है या 1 अप्रैल को हम सोच रहे हैं बिक सकती है, सोच रहे हैं बिक सकती है, तो माने ना माने मैं ग्रॉस प्रॉफिट बुक कर चुका हूं कंसोलिडेशन पर्पज के लिए वर्किंग वन में, वर्किंग वन में ऑन एक्विजिशन डेट 1 अप्रैल को मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया। लेकिन एक बार याद रखिए भाई, इधर देखिए यार, एक बार याद रखिए IS2 सब्सिडरी के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लगेगा और उसे मजबूर करेगा तू सेपरेट में कॉस्ट पे शो कर,
IS2 की रोशनी में सब्सिडरी बाउंड है स्टॉक को कॉस्ट पे शो करने पे, तो याद रखिएगा सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 10 पे ही नजर आता रहता है स्टॉक, और सब्सिडरी कभी नहीं 15 पे ला सकती। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आगे पढ़ के करता है फोरसीन गेन्स रिकॉर्ड, लेकिन IFRS 3 में ये 5 रुपए इसलिए रिकॉर्ड कर लेते थे ताकि प्राइस निगोसिएशन के अंदर चीजें फेयर वैल्यू के ऊपर आ जाए। तो अब बताएं IS2 की रोशनी में सब्सिडरी की बुक्स में स्टिल सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितने पे पड़ा रहेगा? 10 पर। और सब्सिडरी एक एक करके चीजों को बेचना शुरू करेगी, सारी बातें जगह अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक बीच में 9 महीने, 9 महीने में डेप्रिसिएशन ना छोड़ने से तो स्टॉक है, एक एक करके चीजों को बेचना शुरू करेगी। किसको बेचेगी? पेरेंट को नहीं, आउटसाइड वर्ल्ड को, आउटसाइड वर्ल्ड को बेचना शुरू करेगी। तो ये P2S की ट्रांजेक्शन नहीं है। अब ये किसके गोदाम में चीजें पड़ी हुई है? सब्सिडरी के गोदाम में किस दिन पड़ी हुई है? 1 अप्रैल 2017 को, 31 दिसंबर को। ये किस दिन पड़ी हुई है? 1 अप्रैल 2017 को। लेकिन जब हम सब्सिडरी के गोदाम में गए, कॉपी पेस्ट, जब हम सब्सिडरी उतरा, शर्म नहीं आंदी? अच्छा, लेकिन जब हम सब्सिडरी के गोदाम में गए किस दिन गए भाई? जगह में अपना 17 को हुआ है यार, ये क्या क्या करके आते, नाश्ता भी नहीं करके आते। 31/12/17 को इसके गोदाम में गए तो पता चला कि 20% इन्वेंट्री अभी तक पड़ी है। जा जा जा, तो इसका मतलब है 9 महीने में इसने 8 आइटम्स बेच दी है और 2 आइटम्स अभी तक इसके स्टॉक में पड़े हैं। मुझे बता दें 31 दिसंबर को मैं क्या कहूंगा, जब मैं कंसोलिडेशन का स्टूडेंट एज अ कंसोलिडेशन अपनी कराऊंगा, तो क्या मैं एक चीज सोचूंगा, जो काम मैंने 8 आइटम्स पे कर लिया था वो सब्सिडरी ने भी 8 आइटम्स पे कर लिया। अब 20% की टेंशन नहीं है मुझे, आप लोग 20% का कुछ सोच रहे थे, मैं 80% का सोच रहा हूं। ये बात मेरी बार बार सुन लें अगर नहीं समझ आ रही, जो काम हमने 8 आइटम्स के बारे में 1 अप्रैल को कर दिया था, सरप्लस 5 का नजर आ रहा है आपको, जो काम हमने 8 आइटम्स के बारे में वर्किंग वन में कर दिया था, 10 के बारे में मुझे पता किया था लेकिन फिलहाल मैं 8 की बात कर रहा हूं, जो काम मैंने 80% आइटम्स के बारे में कर दिया था उसको सब्सिडरी ने क्या GP रिकॉर्ड किया होगा बोले? अगर सब्सिडरी के पास 20% स्टॉक पड़ा हुआ है यानी 2 आइटम्स पड़े हुए हैं, तो 8 किधर गए? किधर गए 8 आइटम्स? सेल कर दिए, सेल किए, इसकी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में IS2 के मुताबिक किस पे पड़े होंगे? कॉस्ट पे पड़े होंगे। कितने पे पड़े होंगे? 10 पे पड़े होंगे। इसने 10 वाली चीज को, 10 में हर एक चीज 1111 की पड़ी होगी, इसने हर 1 वाली चीज को मिसाल के तौर पे 1.5 मिलियन, 1 वाली डेट 8 दफा शायद पूरा हो गया, तो इसने 1 वाली चीज 1.5 करके 9 महीने में बेच दी। तो क्या सब्सिडरी 1 वाली चीज अगर 1.5 की बेच दे तो आधे मिलियन का प्रॉफिट इसने 80% स्टॉक पे बुक कर लिया होगा अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो क्या वो गेन जो हम सरप्लस के नाम से 8 आइटम्स पे रिकॉर्ड किए हैं, क्या वो गेन वो सब्सिडरी ने भी सेपरेट में रिकॉर्ड कर लिया? तो जो काम हम कंसोलिडेशन डेट पे कर चुके हैं, हम अपनी तरफ से ना शायद 10 की सेल बुक कर चुके हैं, अपनी तरफ से शायद 10 की सेल बुक कर चुके हैं, लेकिन उसने कहा 8 की मैंने भी कर ली, 8 की मैंने भी कर ली, 2 की फिर अगले साल देखी जाएगी, 2 की अगले साल। इधर क्लोजिंग स्टॉक से नहीं खेलना होता, उधर पता क्या होता था, आप कहते थे जो क्लोजिंग इंक्लूडेड इन बायर स्टॉक से खेलें, इधर उसे नहीं खेलना, इधर 20% से नहीं खेलना, 20% तो पड़ा हुआ है, इसकी टेंशन नहीं है, इस पे अभी तक उसने प्रॉफिट बुक नहीं किया, इसकी टेंशन नहीं है, उसके पास 20% पड़ा हुआ है, तो 80% उसने, तो जो 80% उसने स्टॉक बेचा, क्या उस पे 1 अप्रैल को हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था? और वो 9 महीने में जैसे जैसे आइटम्स बेचता रहा होगा एक एक करके, जैसे जैसे ग्राहक आते होंगे तो वो एंट्री करता होगा कैश डेबिट सेल क्रेडिट 1 आइटम पे 1.5 मिलियन, एंट्री करता होगा कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट 1 मिलियन, तो सेल और कॉस्ट ऑफ सेल का डिफरेंस लेके GP बुक करता होगा। बता दें उसने कितने स्टॉक पे GP बुक कर लिया? 80% स्टॉक पे उसने खुद GP बुक कर लिया। तो हम 80% स्टॉक के GP को उल्टा दें, GP उल्टाने की एंट्री बताएं, GP उल्टाने की एंट्री, GP उल्टाने की, और कॉस्ट ऑफ सेल को छोड़े, आपको मैं सिंपल पहले बात कर लूं, वो बात आपकी ठीक है, सिंपल सी बात कर लूं, आपने GP उल्टाना है तो GP डेबिट या GP क्रेडिट? GP डेबिट, लेकिन मैंने आपको बताया GP ने बढ़ाया करें, आप कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा दिया करें, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ाने से GP खुद ही कम हो जाता है, और इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से? 5 का 80%, 5 का कितना टोटल गेन हमने रिकॉर्ड किया? 5, उसका 20% की टेंशन नहीं है, जो काम हमने किया था 8 आइटम्स के बारे में वो काम उसने भी कर लिया, उसके किए हुए काम को उल्टा दें कितने से? सर इन्वेंट्री आप क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, इन्वेंट्री को कम क्यों कर रहे हैं? मोहतरम इन्वेंट्री बिक चुकी है, इन्वेंट्री बिक चुकी है, अब यार इन्वेंट्री को कम करना ना, मैं कुछ भी नहीं, मैं ये सजेस्ट नहीं करता, ये एंट्री बस आपने उल्टानी होती है, इन्वेंट्री को कम करना अगर आपने सोचने तो थोड़ी सी लंबी सी बात हो जाएगी। क्या सब्सिडरी के स्टॉक में ये वाले 8 आइटम्स पड़े हैं? और यार चपेट मारूंगा मैं 31 दिसंबर को, 31 मैं टाइम क्यों, मैंने टाइम क्यों बताना, ये लिखा हुआ है ऊपर, 31 दिसंबर की मैंने चीजें उठाई है ना, क्या सब्सिडरी के, अब मैं स्टॉक क्रेडिट क्यों करा ये सोचवाऊंगा नहीं आपको, पेपर में टाइम भी नहीं होना, मैंने आपको इन द एंड क्लास में जाते स्टेटमेंट देनी है, सारी एंट्रीज को उठा दिया मैंने, आपने जाते जाते मैंने आपको ये स्टेटमेंट देनी है, इस जो एंट्री किया उसको उल्टा देना आपने बस। अच्छा
तो वैसे मैं बात कर रहा हूं, क्या स्टॉक सब्सिडियरी की बैलेंस शीट के अंदर पड़े हुए हैं ये 8 यूनिट्स? नहीं पड़े हुए। हमने क्या किया था, हमने उस 8 यूनिट्स का प्रॉफिट भी बुक कर दिया, वो पड़े नहीं हुए। तो वो जो पड़े नहीं हुए, जब उनका हमने प्रॉफिट बुक कर लिया और एसेट बढ़ा दिया, तो वो हमें एहसास हुआ ये तो चीजें बिक गई हैं, तो उसको माइनस 4 करके हमने खत्म कर दिया। बाकी जो 5 में से माइनस 4 करेंगे, बाकी एक पड़ा रह जाएगा। क्लियर? तो अब आप मुझे बता दें कि पेपर में से एडजस्टमेंट को कैसे लेने, लॉजिक लूजिक आईएस 2 शू सब फारिग करें, और मेरी अभी वाली सारी बातें जो है वो आप उठा के साथ वाले के पास जो स्क्रैप बॉक्स है जिसमें वो शार्पनर करके वो करता है उसमें फेंक दें सारी बातें, और आप आखिरी बात पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सुन लें। क्या चीज? अच्छा, ये तंग कर रहे हैं। हाँ, तो वही तो मैं समझाने लगा, आखिरी एंट्री दोबारा कराने लगा, दोबारा कराने लगा। अच्छा जी, सब्सिडियरी की किताबों में कितने का स्टॉक पड़ा हुआ है? 10 का। हम महंगा करके किस पे ले गए? 15 पे। कितने का प्रॉफिट बुक कर लिया? यहां तक समझ आ गई? ये प्रॉफिट आपको अपनी आंखों से नजर आ रहा है, 5 मिलियन का बुक हो गया। अच्छा, कंसोलिडेशन पर्पस के लिए, गुडविल निकालने के लिए हमने ये 5 का प्रॉफिट बुक कर दिया। अगला सवाल मेरा आपसे, क्या ये 5 रुपए का प्रॉफिट जो है वो IS-2 की रोशनी में रिकॉर्ड होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इसलिए सब्सिडरी ने स्टिल अपनी किताबों में एसेट कॉस्ट पे रखा होगा या फेयर वैल्यू पे, सेपरेट बुक्स में कॉस्ट पे रखा होगा। अच्छा, अब सब्सिडरी क्या इन आइटम्स को पड़ा रहने देगी या बेचेगी अगले 9 महीने में? उसमें से सब्सिडरी के पास अभी तक कितना पड़ा है? 9 महीने में उसने बहुत कोशिश की सारी चीजें बेचने की, नहीं बिक सकी। अभी तक कितनी पड़ी है? 20%। जरा बताएं उसने बेच कितनी दी? 80% बेच दी। अब ये जो 80% बेची, क्या चीजें बिकने पे सेपरेट बुक्स में प्रॉफिट्स रिकॉर्ड होते हैं? यस और नो में बताइएगा। अब उसने भी प्रॉफिट रिकॉर्ड कर दिए ऑल्सो। अब मैं बोल रहा हूं लॉजिक समझाते हुए, क्या उसने प्रॉफिट बुक कर दिया हम ऑलरेडी रिकॉर्ड? अब उसने जितने यूनिट्स पे प्रॉफिट रिकॉर्ड किया उसे हम क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। तो प्रॉफिट उल्टाने की एंट्री बोले जीपी डेबिट, और दूसरा इफेक्ट इन्वेंटरी को जाएगा, जाहिर बात है। तो जीपी डेबिट इन्वेंटरी, जैसे डेप्शन होती थी दूसरा इफेक्ट पीपी को जाता था, तो ये इन्वेंटरी है तो दूसरा इफेक्ट। अच्छा, तो अब ना जैसे ये पेपर में लाइन आया करेगी ना, आपने समझने के लिए आगे एक लाइन लिखनी है, वो लिखें इट मींस 20% अगर पड़ा है, इट मींस 80% इन्वेंटरी इज सोल्ड बाय एस इन 9 मंथ्स, या आफ्टर एक्विजिशन लिख लें जो मर्जी। इट मींस 80% इन्वेंटरी इज सोल्ड बाय सब्सिडरी आफ्टर जकम अप्रैल। इट मींस 80% इन्वेंटरी इज सोल्ड बाय सब्सिडरी आफ्टर जकम अप्रैल एंड इट हैज रिकॉर्डेड प्रॉफिट, एंड इट हैज रिकॉर्डेड प्रॉफिट ऑन दिस, एंड इट हैज रिकॉर्डेड प्रॉफिट ऑन दिस 80% stock, and it has recorded profit on this 80% stock in separate books. बस कर दें, in separate books. It has recorded profit of 80% in separate books. अब बता दें हम कितना profit book कर चुके हैं? हम सारा profit book कर चुके हैं, उसने भी 80% book कर लिया, तो फिलहाल कितना reverse कर दें? बाकी 20% वो अगले साल book करेगी, बाकी वो 20% अगले साल बुक करेगी, तो उसको अगले साल उठा देंगे, वो कोई मसला नहीं। फिलहाल उसने कितना profit book कर लिया है? क्या मैं कह सकता हूं इसी तरह का फिक्रा बोलूं, द जीपी वॉज ऑल्सो रिकॉर्डेड बाय एस इन 9 मंथ्स, द जीपी वॉज ऑल्सो रिकॉर्डेड बाय एस इन 9 मंथ्स ऑन 80% स्टॉक। और अब उर्दू वाला आखिरी फिक्रा, जो काम हम एक्विजिशन डेट पर, अगर वो सब्सिडरी भी बाद में, तो सब्सिडरी के काम को रिवर्स कर देंगे। सब्सिडरी ने क्या काम किया होगा? जीपी बुक किया होगा, जीपी को हमने। अच्छा, लेकिन यार एक मसला, ये पीएनएल का सवाल नहीं चल रहा, ये बैलेंस शीट का सवाल चल रहा है। तो बोले क्या लिखूं इधर? एसआरई। अब एंट्री बुक करवाएं, एसआरई डेबिट कितने से, और इन्वेंटरी क्रेडिट। वो 15 वाली चीज और सारी चीजें मिला के 60 मिलियन दे दिया। हाँ, 15 में परचेज करेंगे, यही समझ लो। किसका? हाँ, लेकिन ये जो 5 रुपए का प्रॉफिट है इस अर्निंग में डाल दिया ना हमने, ये प्रॉफिट ही है ना असल में। इस नहीं नहीं, वैसे मैं बात कर रहा हूँ, हमारी 2 अर्निंग्स होती है ना, प्री और पोस्ट। आप उस तरह ना सोचो, इस तरह सोचो, क्या जी हमने 5 का प्रॉफिट यहाँ डाल दिया, तो वो 5 का प्रॉफिट असल में हमने बुक कर लिया ऑलरेडी। किस दिन? जगह अप्रैल को। ये सबसे एसेट को रिवैल्यू करने से इस प्रॉफिट पर राइट किसके इनका था? पुरानों का, पुरानों का था, ये बता दो। पुरानों का राइट था ना इस पे, ठीक है, बाद में हमने कमा दिया, तो इस एसेट पे पुरानों का राइट था। पुरानों को उनका हक दे दिया, पुरानों को उनका हक दे दिया, इधर पैसे पे करके, समझ लो, इधर पैसे पे करके हमने पूरी इसके साल पे जा,
तो हमने पुराना को उसका हक दे दिया। अब जब हमने भी उस हक को रिकॉर्ड कर लिया दोबारा, सब्सिडरी के प्रॉफिट में तो वो हक पड़े, हमने भी जब उस हक को दोबारा रिकॉर्ड कर लिया तो हमने कहा ये तो हमारा हक नहीं है, तो हम अपना हक अब उल्टा रहे हैं। क्लियर? ये तो पुराना का हक था ना, तो अपना हक रिकॉर्ड हमारा नहीं था इसलिए हमने अपना उल्टा दिया। जी बोलो। अगर ये पहली वाली बात, नहीं नहीं ये तो फिर बताता सवाल के नेचर का, नहीं नहीं ये उस तरह नहीं होता, फिर बताता पीने इसको कितनी बेची है और वो ये वाली बात हमेशा की होगी तो नीचे वाली बात लिखी होगी, इंटरलिंक ना चीजें। अच्छा मैं क्या तीसरा सवाल आ रहा है। ओके चलिए हजरात, अब आपकी दो एंट्रीज के बाद मिजाज तो बन ही गया होगा, और पहली एंट्री भी हमने उल्टा दी है, दूसरी एंट्री भी हमने उल्टा दी है, अब तीसरी एंट्री की बात मैं करने लगा हूँ। वो ऑलरेडी ये क्या हो चुका है, हमारी लाइन ही फारिग हो चुकी है। चलें छोड़ें इसकी, खैर है। चलें जी, तीसरा पर्दा हटने लगा है। बोलें जी। सबसीक्वेंट टू एक्विजिशन, ये वर्किंग वन में नहीं जानी चीज। इधर देखें, इधर भी लिखा होता 2 अप्रैल, वर्किंग वन में नहीं जानी, 2 अप्रैल लिखा हुआ था। इधर भी लिखा हुआ था अभी तक क्लोजिंग स्टॉक में, तो बाकी 80% 9 मंथ्स में बिक गई। तो इधर भी क्या लिखा हुआ है, आफ्टर एक्विजिशन, एक्विजिशन डेट के बाद ना, सब्सिडरी ने सोचा यार ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी शायद कॉन्टिंजेंट अपनी रही, अब इसको प्योर लाइबिलिटी कहना चाहिए। अब शायद ये वक्त आ गया कि इसको सब्सिडरी ने सोचा हम भी किताबों में रिकॉर्ड कर लें। जब सब्सिडरी ये सोच रही थी कि हम किताबों में रिकॉर्ड कर लें, तो हम उधर से सोच रहे थे यार ये तो हमने भी कर लिया हुआ है, तो ये भी करने लगी है, तो हमने कहा चल तू कर पहले क्या करता है, फिर मैं देखता हूं क्या करना है। सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन द लाइबिलिटी हैज, ओ यार आई कैप आल्सो लिख देता, कितना अच्छा विग्रह बन जाता। सब्सिक्वेंट टू एक्विजिशन द लाइबिलिटी हैज आल्सो बीन रिकॉर्डेड बाय सब्सिडरी, लेकिन उसकी राय कितना पे करना पड़ेगा, हमारी राय अभी तक यही है 6 मिलियन पे करना पड़ेगा। उसकी राय क्या है, जितना उसने रिकॉर्ड किया है वो रिवर्स कर दूं या मेरा जितना दिल चाहे वो रिवर्स कर दूं, अभी तक आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग बनी है। जितना उसने रिकॉर्ड किया है वो रिवर्स करना होता है, जितना उसने रिकॉर्ड किया, आप समझे, पेरेंट बड़ा है, पेरेंट अब्बू है, बेटा छोटा है, बेटा जो है वो सब्सिडरी है। और एक और मिसाल देता हूं, मिसाल के तौर पर अब्बू ने क्या किया, अब्बू ने सुबह आते ही अब्बू को फोन आया किसी का, यार मैं चीजें लेने के लिए बंदा भेज रहा हूं साइड पे करके रख दो। अबू ने साइड पे करके रख दिया, सेल बुक कर ली और अबू ने इसे फोन करके कहा अगर सामान कुछ आगे पीछे हो गया मेरा कसूर नहीं है। उसने कहा ठीक है जी, परेशान ना हो शेख साहब, कोई मसला नहीं। तो अबू शेख साहब जो दुकान के ओनर हैं, तो अबू को सुबह सुबह फोन आया किसी का, यार सामान लेने आ रहा हूं। उन्होंने कहा जी ठीक है, मैंने दुकान पे साइड पे करके रख दिया, सिक्योरिटी कैमरा लगे हुए, सामान इधर उधर हुआ आपकी जिम्मेदारी है। उसने कहा कोई मसला नहीं। अबू ने सेल बुक कर ली। बाद में अबू कहीं काम से चले गए जोर की नमाज पढ़ने, बेटा आया, बेटे को अबू ने कहा, बेटे ने कहा अबू बाद में आता हूं पढ़ने। तो बेटा आया दुकान पे बैठा, वो बंदा कस्टमर आ गया, कस्टमर ने आके चीज खरीदी, कस्टमर ने जैसी चीज लेके गया तो बेटे ने सेल बुक कर ली। अब उन्हें आया रख के चांड मारी, ओ भाई मैं सुबह वो काम जो काम मैं कर चुका था वो काम तूने भी कर दिया, जो काम मैं कर चुका था सेल बुक वो तूने भी कर दिया काम। अब बेटे के काम को उल्टाया जाएगा, जितना काम बेटे ने किया होगा वो उल्टा दिया जाएगा। बाप का काम तो बाप का है ना, बाप तो बाप होता है, बाप का तो लेवल होता है। अच्छा तो आप बताएं जी, हमने 6 बुक किया, 6 को नहीं छेड़ा करना, इतना सब्सिडरी करेगी उतने को रिवर्स करें। अभी सब्सिडी ने इस 80% का प्रॉफिट बुक किया था ना, तो हमने 80% को उल्टाया था, तो जितना सब्सिडी करेगी उतना हमने उल्टा दिया करना है। आप बोलेंगे सब्सिडी ने या बेटे ने कितने से एंट्री कर दी, बस बेटे की एंट्री उल्टा दे, तो 4 मिलियन की एंट्री उल्टाने की एंट्री बोले, लाइबिलिटीज उल्टानी है, हम भी बुक कर चुके हैं ना, बेटे ने भी बुक कर ली, तो उल्टाने की बोले एंट्री, लाइबिलिटी डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, एक इनकम छोड़ो पर मैं सोच रहा हूँ एक्सपेंस ही कर दूं, खर्चा है खर्चा इधर एक्सपेंस ही कर दूं, लेकिन कितने से, जितने से उसने बुक किया, क्या चीज़, 2 मिलियन की आपने टेंशन नहीं लेनी, वो जब कभी पे होगी कोर्ट केस में उसको देखी जाएगी। 2 मिलियन के बारे में सोचवाना होता मैं जरूर आपको सोचवाता, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी जितना कर रहे हैं उतने पे रहे। अच्छा यार खर्चे तो हमारे हाथ में है ही नहीं, तो बोले सॉरी एंट्री करवाएं, लाइबिलिटी डेबिट। अब लाइबिलिटी की लॉजिक क्या है, इधर सोचवाने रहा बहुत टाइम लग जाएगा इसी सोचने में, बिला वजह जी कितना, माइनस 4 लाइबिलिटी डेबिट और एसआरई क्रेडिट, एक्सपेंस की रिवर्सल कितनी है, और यार लाइबिलिटी साइड पे क्यों सोच रहे हैं, ये दूसरा वाला चाह रहे हैं, ये स्टॉक वाला चाह रहे हैं। अच्छा लाइबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, आप कुछ लाइबिलिटी के बारे में डिस्कशन शुरू कर दिया, छोड़ें इधर देखें क्या चीज, कैसे 12 कैसे, हमने 6 रुपए का खर्चा बुक कर लिया था, अबू ने कितना खर्चा बुक किया 6 रुपए का, अबू ने कितने का खर्चा बुक किया
छह रुपया अभी पे नहीं किया, पे तो पता नहीं कब होगा, इसलिए तो लाइबिलिटी है। अबू ने कितना खर्चा बुक किया? 6 का। बेटे ने भी लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज किया या पेमेंट हो गई है? भाई पेमेंट्स तो आई 37 में कराऊंगा ना, कंसोलिडेशन में जितनी बातें उतनी है। अबू ने कितना खर्चा बुक किया? 6। बेटे ने कितना खर्चा बुक किया? 4 का। तो बेटे को कहा जाएगा खर्चा उल्टा दो। अब कुछ लोग ऐसी लाइबिलिटी की लॉजिक पूछ रहे हैं, हालांकि टाइम जाया करने वाली बात है, असल में 23 में 4 पड़ा हुआ है, क्योंकि ये तो उसने बुक की हुई है ना लाइबिलिटी, इस 23 में 4 पड़ा हुआ है, तो ये जो 4 पड़ा हुआ है ये इधर से उलट गया, और हम अभी तक कायम है कि हमारे ख्याल से 6 ही देने हैं, तो 200 का चक्कर ही कोई नहीं है। पता नहीं आप लोग 2 क्यों सोच रहे हैं, ये 6 अभी तक इधर आ रहे हैं। हाँ, जब कभी कोर्ट का फैसला आएगा तो क्या करना है, ये कम से कम हमारी कंसोलिडेशन की बहस नहीं है, ये आईएस 37 की बहस है। तो जिनको लाइबिलिटी की इशू आ रहा है वो इधर देख लें। सेपरेट बुक्स में कितने भी रिकॉर्ड की हुई है उसने? 4 में। 31 दिसंबर को तो आफ्टर एक्विजिशन पड़ी हुई है इसमें, फिर 4 की लाइबिलिटी उसने बुक की हुई है, हमने 4 की उसकी बुक की भी उल्टा दी। हम स्टिल अपनी बात पे कायम है अबू, कि लाइबिलिटी कितनी है? पेरेंट के लॉयर की स्टिल यही रहा है कि 6। पेरेंट के लॉयर की राय बदले वो नहीं है चीजें हमारे स्कोप में, तो जिस जब फैसला आ जाएगा तब आइए 37 बताएगा क्या करना है, कंसोलिडेशन की डिस्कशन नहीं है ये। क्या चीज आइए 37 में हम पढ़ेंगे कि अगर ये पूछ रहे हैं कि सब्सिडरी ने क्यों रियलाइज कर क्यों रिकॉर्ड कर दिया मोहतरम, ये तो आइए 37 में हम पढ़ेंगे कि हो सकता है 1 अप्रैल को लॉयर कह रहा था कम चांस है पे करने का, 31 दिसंबर को एक दो हियरिंग हुई हो तो लॉयर ने कह दिया भाई बहुत ज्यादा चांस है पे करने का, तो फिर मैं आपको बताऊंगा आईएस 37 में किसको कंटिजेंट लाइबिलिटी नहीं कहते, इसको प्रोविजन कहते हैं, ये फिर लंबी बात उस एतबार से शुरू हो जाएगी। तो चलिए छोड़ें जी सारी बातें, इन द एंड उर्दू का एक फिकरा बोल दें, जो काम हम वर्किंग 1 में एक्विजिशन डेट पे कर चुके हैं, अगर वो बाद में सब्सिडरी भी अपने बुक्स में कर ले तो जितना सब्सिडरी ने किया है सिर्फ उतना उल्टाना है, जितना सब्सिडरी ने किया उससे ज्यादा नहीं उठाना, जितना सब्सिडरी ने किया उतना उठा देना है। तो इस सफे में आप ये बात उर्दू में लिख लें, जो काम हम एक्विजिशन डेट पे कर चुके हैं वर्किंग 1 में, जो काम हम वर्किंग 1 में एक्विजिशन डेट पे कर चुके हैं, चलो तो जल्दी करो स्पीड अप, जो काम हम वर्किंग 1 में किसमें कर चुके हैं एक्विजिशन डेट पे, अगर वो काम बाद में सब्सिडरी भी कर ले, अगला फिक्र इंपॉर्टेंट है, वो काम बाद में सब्सिडरी भी कर ले तो जितना सब्सिडरी ने किया है उसको रिवर्स करेंगे, हमारे वाला नहीं, जिस अमाउंट से सब्सिडी, तो जितना सब्सिडरी ने किया है उसको रिवर्स करेंगे। जितना सब्सिडरी ने किया है उसको रिवर्स कर देंगे। मैं 5 मिनट इसलिए जाया करने लगा हूं कि पास का तजर्बा है, ऑनलाइन ग्रुप्स में ये एडजस्टमेंट्स जो है वो जब पास पेपर में आती हैं, हालांकि मैंने पास पेपर की इंग्लिश ट्राई भी है, पास पेपर में हर अटेम्प्ट में इनमें से कोई एक एडजस्टमेंट आ जाती है, या ये वाली आ जाती है, या दूसरी वाली आ जाती है, तीसरी वाली आ जाती है, लेकिन जितने पास पेपर में एडजस्टमेंट थी उन सबको इकट्ठा करके एक जगह डालने का मकसद ये था कि सारी टाइप्स के एडजस्टमेंट्स एक ही जगह कवर हो जाएं और आपको समझ आ जाए। लेकिन जनवरी के महीने में और फरवरी में खास तौर पर इतना ज़्यादा आता है, बच्चा बैठा होता है तस्वीर भेज दी सर ये जरा पॉइंट भी जरा दोबारा बता दीजिएगा, तो इसलिए आप लोग भी और जितने ऑनलाइन वाले हैं जरा ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लें, मैं ये सारी एडजस्टमेंट जो है वो आपको 2 मिनट में दोबारा रिवाइज करवाने लगाऊं, तो इसलिए कोई आपका सवाल आज के बाद इनके बारे में नहीं लिया जाएगा। ओके, पहले एडजस्टमेंट का एक एक सेट पढ़ें, और एक पहला सेट आसान है, वो मार्क्स गिविंग है, वो ऐसे ऐसे मार्क्स देगा पहला पॉइंट, और दूसरे पॉइंट में भी इंशाल्लाह कोई एक दो एडजस्टमेंट मसला आ सकता है, उधर से भी इजीली मार्क्स क्योर करेंगे। अच्छा जी, पहले दूसरी वाली डिस्कशन को जहन से निकालो भाई, अब आप तो टेंटिव हो जाना यार, सब्सिडी की बुक्स में स्टॉक कितने का आ रहे हैं? 10 का, लेकिन स्टॉक बाजार में कितने का बिक सकते हैं? तो IFRS 3 और 10 कहते हैं कंसोलिडेशन के फेयर वैल्यू पर लाओ चीजों को, तो हमने सिंपल सी एंट्री कर दी बस, इन्वेंटरी डेबिट और सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, नेक्स्ट। ऑन एक्विजिशन डेट एक प्लांट को इंपेयर करना है, एंट्री बताएं, इंपेयरमेंट लॉस इन वर्किंग 1 डेबिट और PPE, नेक्स्ट। सब्सिक्वेंट एक्विजिशन, तीसरी एडजस्टमेंट, आ कंटिंजेंट लाइबिलिटी ऑफ 9 व्हिच इज डिस्क्लोज्ड, हम एकदम खटके, ये तो डिस्क्लोज हुई है, इसका मतलब रिकॉर्ड नहीं हुई अभी, अभी सिर्फ डिस्क्लोज्ड है, ये कब पता चलेगा ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज होती है, जब आई सिटीजन पढ़ लेंगे। तो हमारे समझने के लिए अ लाइबिलिटी हुज कैरिंग वैल्यू इज 0 हैज अ फेयर वैल्यू ऑफ 6 मिलियन, तो 0 वाली चीज को 6 पे लेके जाने, तो कितना खर्चा बुक करें? खर्चा डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट, क्योंकि हो सकता है सऊदी किंग के जाने के बाद ये खर्चा हमें बर्दाश्त करना पड़े, तो इसलिए खर्चा उसी की अर्निंग में कम कर दो, खर्चा डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट। ये सारा करके जब हम फ्री हो गए तो हमें पता चला कि इंपेयरमेंट लॉस सब्सिडरी ने सऊदी किंग के जाने के बाद अपनी सेपरेट बुक्स में भी रिकॉर्ड कर लिया, हमने कहा ये तो हमने भी कर लिया हुआ था, तो लॉस को उठाने की एंट्री सोचे, इंपेयरमेंट लॉस उठाने की, पॉइंट बी पहले मैं पढ़ा रहा हूं, लॉस को उठाने की एंट्री बोले, इंपेयरमेंट लॉस या खर्चा क्रेडिट
और पीपी आगे। सब्सिडियरी ने कहा 20% स्टॉक मेरे पास अभी तक पड़ा हुआ है, इसका क्या मतलब है कितने परसेंट बेच चुकी है? तो क्या मैं कह सकता हूं द ग्रॉस प्रॉफिट, पॉइंट ए के अतबार से बात कर रहा हूं, द ग्रॉस प्रॉफिट ऑन 80% स्टॉक वॉज ऑल्सो रिकॉर्डेड बाय एसएल इन 9 months इन इट सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये जो स्टॉक का गेन रिकॉर्ड कर चुकी है, इस गेन को उठाना है, तो गेन को उठाने की एंट्री जीपी डेबिट स्टॉक, दूसरा इफेक्ट स्टॉक को जीपी डेबिट स्टॉक रेट, लेकिन जीपी की जगह कॉस्ट ऑफ सेल, या कॉस्ट ऑफ सेल की जगह एसआरई में वो चीजें जाती हैं जो एक्विजिशन डेट वाली ना हो, एक्विजिशन डेट की बात वाली है। द लायबिलिटी इज ऑल्सो रिकॉर्डेड बाय सब्सिडियरी एट 4, सब्सिडियरी ने इसको 4 पे रिकॉर्ड कर लिया। अब अगर सब्सिडियरी ने इसको 4 पे रिकॉर्ड कर लिया तो बेटे ने जो गड़बड़ की है बाप कहेगा बस तेरे वाली गड़बड़ उठाने लगाऊं, तो बोले 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 लायबिलिटी डेबिट, अब सारी एंट्रीज देखने बिल्कुल उल्टे हैं, इन्वेंट्री डेबिट सरप्लस क्रेडिट और जीपी डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, सारी एंट्रीज उल्टा रही हैं। अब इसको टोटल्स आपने खुद ही कर लेने हैं। अब मैं ये तीनों एडजस्टमेंट्स पोस्ट करने लगा हूं, बैलेंस शीट आप खुद ही टैली करनी है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम के फेस पे ये तीनों एडजस्टमेंट्स मैं यहां पोस्ट करने लगा हूं, और इन तीनों एडजस्टमेंट्स का इंपैक्ट वर्किंग 5 पे शो करने लगा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों फिगर्स वर्किंग 5 में जाएंगी, तो ये भी चीजें वर्किंग 5 में जाती हैं। हाँ ये चीजें वर्किंग 5 में जाती हैं, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने वर्किंग 5 के फॉर्मेट में नहीं डाली हुई, वर्किंग 5 के फॉर्मेट में नहीं डाली हुई, ये तीनों चीजें भी वर्किंग 5 में जाएंगी। अच्छा पहले आप मुझे करें कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम के फेस पे पोस्ट करवा दें, ये चीजें वर्किंग 1 की हैं, ये कहीं नहीं जाने, इधर से कराएं जी। खर्चा बढ़ाने बोले 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 प्लस, और आपको पता है पीएनएल बनाते हुए सिंगल एंट्री प्रोसेस चलते हैं, खर्चा क्या करने तो इंपेयरमेंट लॉस एडमिन में कर दें, खर्चा कम करना है कितने से -3, खर्चा कम करना है -4, ये तीन इंटरेस्ट पोस्ट होगी। अच्छा ये किसके प्रॉफिट्स हिट हो रहे हैं, सब्सिडरी को कह रहे हैं प्रॉफिट उल्टाए, हाँ सब्सिडरी को कह रहे हैं खर्चा उल्टाए, हाँ सब्सिडरी को कह रहे हैं खर्चा उल्टाए, तो इसका मतलब है एस के प्रॉफिट्स में कुछ जीपीज वगैरह बुक हो चुके हैं जो मैं उल्टाना चाह रहा हूं, तो एसके प्रॉफिट में तो मसले हैं। तो ये सारी चीजें सर इस तरह की कोई बात इसे याद कराते हैं ताकि याद रह जाए, और आपको याद है एसेट डेबिट सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट इधर होता था, और डेप्रिसिएशन की एंट्री वर्किंग 5 में जाती थी, याद आ रहा होगा आपको एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट ये सीन होता था, और 9 months की डेप्रिसिएशन आपको याद है जाती थी वर्किंग के अंदर डेप्रिसिएशन ऑन सरप्लस के नाम से। तो जिस तरह एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट वर्किंग 1 में जाता था और दूसरी एंट्री वर्किंग 5 में जाती थी, इसी तरह दूसरी एंट्री सारी कहां जाएंगी और पहली वाली वर्किंग 1 में, तो वर्किंग 5 में ले जाएं। खर्चे क्या करने हैं बढ़ाने हैं, तो ये वाला 4 एडजस्टमेंट नंबर कौन सा वाला ए, खर्चे क्या करने काम करने हैं, तो प्रॉफिट एडजस्टमेंट नंबर बोले 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 बी, खर्चे क्या करने काम करने हैं, कितना जी खर्चे कम प्रॉफिट बढ़ जाएगा एडजस्टमेंट नंबर, तो ये कंसोलिडेटेड के मुंह के ऊपर एंट्रीज हैं और ये वर्किंग 5 में, ये कर लें। ये सवाल मैंने कराना था कि मैं सोचा हुआ था आप लोग आएंगे तो कराऊंगा। अच्छा ये तीन एडजस्टमेंट कितनी खूबसूरत हैं कि एसोसिएट आपको शुरू करा दिया गया IS-28, लेकिन ये छुड़वा दी गई, यानी कि वो इतनी आसान चीजें थे, ये मैं बताना चाह रहा हूँ IS-28 कितना आसान है, IS-28 में लगा शुक्र है कोई मसले वाली बात नहीं होती क्योंकि पहले वो पढ़ा होता है, उधर ही लाओ उधर ही रखो। लेकिन आई होप ये तीन एडजस्टमेंट्स भी आ गई, तो आप पहली पहली एंट्री तो इंशाल्लाह सही कराएंगे, दूसरी एंट्री भी आज घर जाके सोच लीजिएगा थोड़ा सा, इसीलिए सफे के नीचे जगह भी आधी छोड़ी हुई है, जितना मर्जी लिखे हैं सफे पे जाके किताब में। अब बैलेंस शीट वगैरह खुद ही टैली कर लीजिएगा, एनसीआई को प्रोपोर्शनेट पे रखना पड़ेगा, कितना आ जाएगा इसका टोटल 20 33.25, और गुडविल वगैरह शायद किसने निकाली है, नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव है, एनसीआई का प्रोपोर्शनेट कितना आ रहा है 6 point, और गुडविल 33.4, और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बिल्कुल नहीं इसकी बैलेंस शीट की तस्वीर शेयर की जाएगी और ना कोई बच्चा किसी से पूछेगा, यार खुद ट्राई कर लो यार हद हो गया पीछे रह गया है, लेकिन ये किसके आइटम जमा होता है पीएनएल के, चलिए चले ग्रुप में किसी से पूछ लीजिएगा, खैर बैलेंस टैली हो जानी चाहिए। ओहो
अच्छा जी, आज आपका होमवर्क है, निकालो इधर। तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? होमवर्क पेज 646 क्वेश्चन टू, पेज 646 क्वेश्चन टू। ये सवाल है मार्च 2020 का, मार्च 2020 का। ये आज आपने आप सवाल फुल फ्लेज वाला करना है। कोई फ्री होल्ड लैंड हम सऊदी किंग को दे रहे हैं, सऊदी किंग को कहा था सब्सिडियरी ने अच्छा परफॉर्म किया तो पैसे दे देंगे, कल वाली क्लास ली हुई है। इसके बाद कोई शेयर्स की फेयर वैल्यू दी हुई है। इसके बाद ये पता नहीं कौन सी लाइन आ रही है, 20% ऑफ द इन्वेंट्री स्टिल इंक्लूडेड इन स्टॉक, ये जो आज पढ़ाई है। उसके बाद की मशीन वगैरह बिक रही है, डिविडेंड है, सेल ऑफ स्टॉक है, कोई रिसीवेबल पेबल पता नहीं पड़े हैं इनके आपस के, कोई इंपेयरमेंट लॉस है और एनसीआई की। ये डिस्काउंट रेट भी पता नहीं क्यों 14% दिया हुआ, शायद किस चीज़ को डिस्काउंट करना ना करना हो, क्या करना है। वैसे इस डिस्काउंट रेट को इग्नोर कीजिएगा, कल वजह बताऊंगा आपको, कल वजह बता दूंगा, फिलहाल डिस्काउंट रेट को इग्नोर कीजिएगा। लेकिन वो एडजस्ट, वो सवाल जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। कल कौन सा क्वेश्चन था जिसमें परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट था? क्वेश्चन नंबर, और थोड़ी सी बिल्डिंग ले लो वाला कौन सा सवाल था? क्वेश्चन, एक्सेलेंट, क्वेश्चन 21। और आज कौन सा सवाल किया? क्वेश्चन 37। तो ये तीन एडजस्टमेंट्स के आगे क्वेश्चन लिख लें, अगर आपको बात भूल गई तो ये क्वेश्चन पहले रिवाइज कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन 21, 19 और 37 सारे लेक्चर नोट्स वाले हैं, पेज 800 से आगे वाले हैं। इस एडजस्टमेंट के आगे क्वेश्चन 21 लिख लें, इसके आगे क्वेश्चन 19 लिख लें, इसके आगे क्वेश्चन 37 लिख लें, और ये जो आप किया, जो काम वाला सवाल किया। तो इंशाल्लाह ये तीन सवाल अगर आप करके सवाल की तरफ आएंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा, अगर किए बगैर आएंगे तो परेशान होंगे। और कोशिश कीजिएगा यार इस सवाल की आधी एडजस्टमेंट सही हो जाए, अगर इस सवाल की आधी एडजस्टमेंट आपसे सही हो जाती है ना तो समझ लें आप आई कैप की नजर में पास हैं। एक्सेलेंट मिल देता है आई कैप उस बंदे को, पास पी ए डबल एस उसके घर में से जाता है, जिसकी जिसकी सवाल की आधी एडजस्टमेंट सही हो जाती है। ओके, पेज 637, पेज 637। एग्जाम्पल नंबर वन, एक दो छोटी सी चीजें आप कर लेते हैं। काशिफ लिमिटेड एक्वायर 30% शेयर्स इन ऑन यकम जनवरी 2019, पेज 637। 30% शेयर खरीदे तो ये क्या बन गई? बोथ कंपनीज हियर एंड इज, काशिफ कौन है? पेरेंट हसन लिमिटेड, कॉलिंग अदर डिटेल्स ड्यूरिंग द ईयर। केएल ने परचेज किए कितने परसेंट शेयर्स एट अ कॉस्ट ऑफ 30 मिलियन। ओके, वैसे ही आपसे पूछ रहा हूं, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या एंट्री होती है शेयर, वैसे ही पूछ रहा हूं जरा। इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, नहीं नहीं, शेयर खरीदने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको तो पेरेंट की किताबों में इन्वेस्टमेंट सारी होती हैं। तो भैंस खरीदने की एंट्री बायोलॉजिकल ऐसा डेबिट कैश क्रेडिट, गांव खरीदने की एंट्री बायोलॉजिकल ऐसा डेबिट कैश क्रेडिट, शेयर खरीदने की एंट्री इन्वेस्टमेंट कितने से जी? आपने किसी कंपनी के शेयर्स 30% कितने रुपए में खरीदे? 30 मिलियन में तफाकन 30% शेयर खरीद लिए। याउस वालिद साहब ने या वालिदा ने एक पेटी खरीद के रखी हुई है, उस पेटी के अंदर जो है वो अच्छा रात सोना चांदी पड़े हुए हैं और बाहर आपका नाम लिखा हुआ है मिस्टर एक्स। अब बड़ी सोच और छोटी सोच क्या होती है? छोटी सोच ये है कि जितने जितने पेटी से आ रहे हैं ना उस उसको लेके आप खुश होते रहें, बड़ी सोच ये कि इस पेटी में कितने पड़े हैं। अजीब सी वैसे बात है आप, लेकिन मैं जरा वैसे तो आपके दो सवाल आपके जहन में आ सकते हैं, ओ भाई अब्बू मेरे लिए पड़ा कितने हैं, ये जो थोड़ा थोड़ा करके हम मुझे देते हैं ये ला के इसको जरा साइड में रखें, बताएं अंदर क्या क्या है। तो इसी तरह आप अगर कोई कंपनी के को खरीद लेना 30%, तो आपकी अच्छी खासी उस कंपनी पे चलने लग जाती है, यानी आपकी हैसियत उस कंपनी में अम्मी जैसी हो जाती है, जिसकी अच्छी खासी चलती है, सारी नहीं चलती, अच्छी खासी। अगर आप किसी के 50% से ऊपर शेयर खरीदें फिर तो आप अबू बन जाते हैं उस कंपनी के, तो फिर तो आप ही की चलती है। लेकिन अगर आप किसी के 30-40% शेयर खरीदें अच्छी खासी आपकी चलती है। अच्छा, तो अब आप मुझे बताएं, मैं अगर किसी
कंपनी के शेयर खरीदूं 30% 32% 40%, तो दो नजरिए हैं, या तो मैं नजर रखूं उसके प्रॉफिट्स पे कि पेटी में क्या क्या है, या तो मैं नजर रखूं प्रॉफिट्स पे, या फिर क्या नजर रखूं उसमें से फिलहाल मुझे कितना मिल रहा है, और मैं कहूं यार जितना मिल रहा है बस ठीक है यार उसी पे सबर करते हैं, जितना मिल रहा है बाकी उसमें क्या क्या पड़ा हुआ छोड़ने पर डन। तो एक चीज को देखने के कितने नजरें हैं, दो। तो इसको अकाउंटेंट्स ने दो मॉडल्स का नाम रख दिया। अगर आप उसके सिर्फ डिविडेंड पर नजर रख रहे हैं ना, इसका नाम अकाउंटेंट्स ने अजीब सा रखा कॉस्ट मॉडल। कॉस्ट मॉडल बस डिविडेंड पर नजर रख रहे हैं, जितना आया उसी पर तसल्ली कर रहे हैं। और अगर आप उसके प्रॉफिट्स में नजर रख रहे हैं तो अकाउंटेंट्स ने इसका नाम रखा इक्विटी मेथड। क्या मेथड? इक्विटी मॉडल। इक्विटी मॉडल उसकी इक्विटी पे, उसके प्रॉफिट में नजर रखी हुई है। ओके, अब इतना ही। टर्म टेस्ट वन इनके लिए तैयार करना है, उसकी वीडियो होगी, अपलोड भी होगी, यूट्यूब पे आज हो जाएगी अवेलेबल। डिस्कशन गुड। अच्छा जी, नहीं नहीं वो कुछ लोगों ने देना होता है ना, आप लोगों की बात। ओके, ऑनलाइन वालों से बात हो रही है यार, मुझे पेटी और उसमें से जो निकल रहा है उसमें फर्क बता दे कितना है। 0.23 पढ़ के HL's प्रॉफिट इज 10, HL's प्रॉफिट इज 10 एंड HL's डिस्ट्रीब्यूटेड 4। लेकिन एक बार याद रखिएगा, ये 10 और 4 हमारा नहीं है, इसमें मैं परसेंटेज लगा देता हूं, फिर उसके बाद डिस्कशन शुरू करते हैं। HL का प्रॉफिट कितना है? 10 का 30% कितना? 3। HL ने 10 में से बांटा कितना? 10 तो सारे शेयर होल्डर्स के ना, उसमें से मुझे कितना दिया? नहीं, मुझे नहीं 4 दिया, 10 सारे शेयर होल्डर्स के और 10 में से सारे शेयर होल्डर्स को 4 दिया। मुझे कितना दिया 4 में से? 1.2। अब मुझे बताएं मेरे लिए पेटी में कितना है और फिलहाल मुझे कितना मिला है? अब मुझे बताएं मेरे लिए पेटी में कितना है, जिसके बाहर मिस्टर एक्स या मेरा नाम लिखा हुआ है, बल्कि जिसके बाहर काशिफ लिमिटेड लिखा हुआ है। ये तो शायद बाकी बहन भाइयों की पेटियां भी साथ आ गई थी, तो फिलहाल मैं अपनी पेटी की बात कर रहा हूं। मेरी पेटी में जो है वो कितना रखा हुआ है वालिदैन ने? 3। और फिलहाल इस साल मुझे रिलीज कितना किया आला तालीम हासिल करने के लिए? 1.2। अब दो तरीके हैं एंट्रीज के, दो तरीके हैं जल एंट्रीज के। एक तो ये तरीका, पेज नंबर, ओ यार पूरी रात रोंदे रहे, सवेरे उठ के भी रोंदे रहे। अच्छा अच्छा, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट से। अब एक क्या तरीका है कि पेटी खोल भी रही हो मम्मी तो मैं आंखें बंद कर लूं, तो फिर मेरी स्क्रीन पे नजर नहीं पड़ी। अब मेरी जो है नजर सिर्फ 1.2 पे है, तो मैं एंट्री करूंगा बोले कैश डेबिट डिविडेंड जब आएगा, और डिविडेंड इनकम क्रेडिट। एक ये तरीका है सोचने का, एक ये तरीका सोचने का। मैंने कितनी की इन्वेस्टमेंट की? 30 की। उसने मुझे कितना कमा, मुझे कितना दिया? कमा के नहीं दिया, मुझे कितना दिया? 1.2। एक और तरीका है सोचने का, लेकिन उसमें जरा एंट्रीज फिर ज्यादा होंगी। वो तरीका है सोचने का इस तरह की, एक और भी मैंने मिसाल दी थी, दरख्त पे फल लगे हुए हैं और तोड़ने दोनों पे डबल, इस तरह की। चलें अब जरा बात करें आगे, इस तरीके की एंट्रीज आपने मुझे बतानी है। इन्वेस्टमेंट डेबिट एक और मॉडल है, जैसे 5-4 वेटेड एवरेज स्ट्रेट लाइन WDV, तो उन्हीं एंट्रीज को मैं दोबारा करने लगा हूं। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। अब मैं पेटी पे नजर पड़ी नहीं, जान बूझ के मैंने पेटी पे नजर मारी कि मेरे लिए कितना है। अब बता दें 3 रुपए मेरे लिए पड़े हुए, मैं ले तो नहीं सकता लेकिन मेरा राइट है, मेरा राइट है। अगर मैं राइट अपना बुक कर लूं, मैं कहूं मेरी इन्वेस्टमेंट्स माशाल्लाह ज्यादा हो गई हैं, यानी एसोसिएट ने मेरे लिए कितना कमाल लिया है, कितना दिया, कितना कमाल लिया, शायद ये अकाउंटिंग अक्रूवल टाइप की तरफ जा रही है कि मेरे लिए कमाया 3 और मुझे दिया, ये शायद अच्छी अकाउंटिंग है, लोगों को वैसे ज्यादा पसंद है, लेकिन स्टैंडर्ड ने दोनों की इजाजत दी हुई है। अच्छा फिलहाल बताएं कमा कितना लिया? 3 एसोसिएट ने मेरे लिए, उसमें से कितना दिया? एसोसिएट से जाके पूछूंगा तो एसोसिएट ने पेटी में मेरे लिए कितना रखा हुआ है, 3 में से कितना दे रही है। एक तरीका ये था जितना मिला उसी पे इक्तफा करें, एक तरीका ये था नजर रखें मेरे लिए कितना कमा रही है। ऐसी सूरत में ना इन्वेस्टमेंट्स डेबिट करेंगे या रिसीवेबल डेबिट कर दें, इन्वेस्टमेंट नहीं पसंद आ रहा तो रिसीवेबल डेबिट, रिसीवेबल डेबिट और खुशी क्रेडिट, P&L खुशी क्रेडिट। कितने से बोले? 3 से। मोहतरम अब रिसीवेबल आप डेबिट कर चुके हैं, आप जब पैसे मिलेंगे ना तो इनकम दोबारा बुक नहीं करेंगे। बताएं आप जब पैसे मिलेंगे तो इनकम दोबारा बुक, क्या उसी पेटी में से मिल रहा ना दोबारा? तो जब उस पेटी में 3 पड़ा हुआ था, उस 3 को देख के आप खुश हो गए, तो उसमें से 1.2 की खुशी दोबारा रिकॉर्ड नहीं करनी। अब एंट्री आपने मुझे बतानी है जब कैश आएगा, कैश डेबिट बोले 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 कैश और रिसीवेबल क्रेडिट, कैश डेबिट और रिसीवेबल। लेकिन अकाउंटेंट्स कहते हैं यार रिसीवेबल रिसीवेबल छोड़ो, बस आपकी माशाल्लाह क्या ग्रो कर रही है इन्वेस्टमेंट्स। खरीदी कितने की थी? ग्रो करके 33 पे चली गई, ग्रो करके 30, उस 33 में से आपने प्लक कर लिया, उतार लिया कितना? 1.2। कैश डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट 1.2। अब मुझे बता दें इसे इसलिए कॉस्ट मॉडल कहते हैं कि इसमें ना 30 पे इन्वेस्टमेंट्स बैलेंस शीट में पड़ी रहती हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट्स को हम छेड़ते नहीं है, इसे इसलिए कॉस्ट मॉडल कहते हैं। और इसमें इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट पे पता है कितने पे आएंगी? 30+3-1.2। अच्छा मुझे स्काई ब्लू मार्कर मैं यूज करने लगा हूं, मुझे बताने P&L में इस सिनेरियो में कितना जाएगा? ये भी अकाउंटिंग मॉडल है, कुछ लोगों को ये पसंद है,
1.2, इस सूरत में पी एंड एल में 3 जाएगा, डन। सर कब कौन सा मॉडल इस्तेमाल करना है और आप ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये बातें कल कर लेंगे, छोड़े परे, फिलहाल दोनों बातें समझ आ गई। अच्छा जी, सवाल ने कहा था कॉस्ट मॉडल लगाओ और इक्विटी मॉडल लगाओ, पढ़ें जी। कॉस्ट मॉडल में हमने क्या एंट्री की, लेकिन जिस वक्त पेटी पे नजर पड़ी आंखें बंद कर ली, नहीं देखा, आंखों की हिफाजत की, तो कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। जिसका डिविडेंड मिला 14 एंट्री, कैश डेबिट खुशी क्रेडिट, सारी बातें, चार मुझे तो नहीं मिला ना, चार तो उसने अनाउंस किया, चार में से मुझे कितना मिलना है। इस टॉपिक में 7-7 परसेंटेजेस लगाते रहे। इन्वेस्टमेंट्स कितनी की मैंने, 30 की। दरख्त कितने का खरीदा, ऐसे IAS 41 में रूल हो रहे हैं वैसे पूछ रहा हूं, दरख्त कितने का खरीदा, उस पर फल कितने लग गए, उतार कितने लिए 1.2, तो मैंने इन्वेस्ट कितना किया 30, मेरी इन्वेस्टमेंट्स में ग्रोथ कितनी आई, इन्वेस्टमेंट डेबिट प्रॉफिट क्रेडिट शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एसोसिएट, और जब मुझे मिली। अच्छा जी, पी एंड एल में बताएं, पहले मॉडल में सिर्फ डिविडेंड इनकम आएगी कितनी 1.2, और दूसरे मॉडल में 3 की इनकम आएगी, और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे नजर आती रहेंगी कितने पे 30 पे, और इक्विटी मेथड में 30 + 3 - 1.2। हम IAS 28 में सेपरेट बुक्स में कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे होते हैं और कंसोलिडेशन करते हुए इक्विटी मॉडल की तरफ चले जाते हैं। हम सेपरेट बुक्स में कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे होते हैं, और शायद आपको याद हो हम वर्किंग 5.1 में ये प्रॉफिट लेके जाते हैं। वर्किंग 5.1 में मैं आपको कहता था एस के प्रॉफिट बताएं कितने हैं, एस के प्रॉफिट बताएं कितने हैं, हम एस के प्रॉफिट लेके जाते हैं। वर्किंग 5.1 याद आ रही है, वर्किंग 5.1 ए के माधव, तो वर्किंग 5.1 में ए के प्रॉफिट लेके जाते हैं। तो सेपरेट बुक्स में छोटी सोच वाली अकाउंटिंग हो रही होती है, क्या कितना इन्वेस्ट किया, सेपरेट बुक्स में ये 30 जो है, सुनना, सेपरेट बुक्स में ये 30 पेरेंट की बैलेंस शीट के मुंह पे नजर आ रहा होता है, और सेपरेट बुक्स में अदर इनकम में डिविडेंड पड़ा होता है। हम अपनी सोच बदलते हैं, हम कहते हैं नहीं, वर्किंग 7 बनाओ, वर्किंग 7 में इन्वेस्टमेंट डालो, प्रॉफिट डालो, तो वर्किंग 7 हम बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट डालते हैं, उसमें पोस्ट रिटेंड अर्निंग डालते हैं, तो हम वर्किंग 7 बना के इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो कराते हैं। वर्किंग 7 इन्वेस्टमेंट, ये बातें कल दोबारा करूंगा, इन्वेस्टमेंट्स बनाते हैं, उनको ग्रो कराते हैं, पहले कॉस्ट लिखते हैं उनकी, ग्रो कराते कराते उनको ले जाते हैं, तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, इन द एंड बोले क्या करते हैं, जब वर्किंग 5.1 करते हैं तो हमारी नजर उसके किस पे होती है, प्रॉफिट्स पे। और एक बात जाते जाते आपको बताता चलूं, जो सुबह आती है आपको न्यूमेरिकली दोबारा समझानी है, एक बात जाते जाते बताता चलूं, और जब कंसोलिडेटेड पी एंड एल बनाना पड़ता है तो हम अदर इनकम में से ये 1.2 माइनस कर देते हैं, 1.2 माइनस करते हैं, और छोटी सोच को उलटाते हैं, 1.2 माइनस करते हैं, और 1.2 माइनस करके 3 को पीबीटी के ऊपर एड कर देते हैं। क्लियर, चलें जी ओवर होमवर्क में, बस एसोसिएट्स का कॉस्ट मॉडल किसमें यूज हो रहा होता है, सेपरेट बुक्स में, और हम कंसोलिडेशन के लिए किस मॉडल पे चले जाते हैं, कल इंशाल्लाह इस पे बातें दोबारा कर लेंगे, फिलहाल आप सवाल पूछ लो।